तो हेलो एवरीवन, आज नीरज है हमारे साथ जो एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं और खुद काफी टाइम से मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। तो नीरज, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू ओनली स्टार्ट। आपको जो भी क्वेश्चंस हो एक बार ओके पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उनको थोड़ा सा सिंपलर वे में कन्वर्ट कर सकूं, बट आप चालू कीजिए, मैं हम यहाँ हैं। हाँ ओके थैंक्स यशराज। हाय साहिल, हाय नीरज, हाय। हाँ सो माय क्वेश्चन टुडे इज रिगार्डिंग ट्रेडिंग द इवेंट्स। सो लाइक रिसेंटली वी हैड अ वेरी बिग इवेंट, इंडियन इलेक्शंस ऑफ 2024, वेरिन एवरीवन वाज लाइक we were all very confident that BJP this time will be back with more than 400 seats. And around these events, most of the traders that I have met in my trading journey, I've been following markets for over 10 years now. And most of the traders are of the view that such high volatile events, you should refrain from taking trades because market can go anyway. But like we've been following your positions as well, and you have always had a position, be it a volatile event or a normal event. So which means that there is another way to trade as well. So if you could just put some light upon कि आपने इतने बड़े इवेंट के पहले अपने ट्रेड को कैसे डिजाइन किया, knowing that the volatility could be so high. So, if you could just explain that election results के पहले और बाद में आपने अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज किया? तो इसमें मैं पहले ये बताऊंगा कि व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और जब तक मुझे थोड़ा 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका था और मुझे एफएनओ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो चुका था कि आप मार्केट को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं, तब तक मेरे माइंड में बहुत क्लियर था, लाइक द विजन ऑफ सक्सेस जिसको बोलते हैं, कि मेरे माइंड में था अगर मेरे ट्रेडिंग करियर के दौरान मेरे आंखों के सामने .com क्राइसिस आ जाए या सब प्राइम क्राइसिस आ जाए या यूरो क्राइसिस आ जाए, ऐसा ऐसा कोई भी मेजर इवेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इराक ईरान वॉर, गल्फ वॉर, कोई भी मेजर इवेंट अगर मेरे आंखों के सामने आए तो आई एम गोइंग टू कैच इट। ठीक है, दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस इज बेसिकली जब एक ट्रेडर अपने डायरेक्शन में एक 2, 3, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन मूव कैप्चर कर देता है। एंड तो जैसे बहुत कॉमनली होगा, मतलब जैसे आप जब न्यू होते हैं मार्केट में तो आपको जनरल जार्गन से सिखाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज सोरोस के बारे में बोला जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 91-92 में ब्रिटिश पाउंड के गिरने से पहले अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन वर्थ ऑफ पोजिशंस क्रिएट कर दी हुई थी। अब मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि $1 बिलियन शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करना, ये जो भी बंदा होगा ये इसके लाइफ का पहला ट्रेड नहीं होगा, यानी कि इसने भी अपना एक जर्नी स्टार्ट किया होगा $100 से, $1,000 से, $10,000 से, $1,000,000 से, एंड देन इवेंचुअली करते करते उसमें इतना एक सिस्टम, एक बिहेवियरल पैटर्न सेट हो गया, जो बिहेवियरल पैटर्न स्केलेबल था जिसपे आप $1 बिलियन भी शॉर्ट कर सकते हैं। एंड जिस दिन उसने शॉर्ट किया ड्यू टू कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी इवेंट्स ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर इट। सो सिमिलरली मेरे माइंड में हमेशा से ही था कि जब भी एक मेजर इवेंट आएगा उसमें मेरा एक पोजीशन होगा ही होगा, एंड वो यूनिडायरेक्शनल पोजीशन होगा, एंड अगर वो इवेंट मेरे डायरेक्शन में नहीं गया तो आइदर आई विल डिफेंड इट और आई विल बुक द लॉस। बट अगर वो मेरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुआ देन देर शुड बी नो जस्टिफिकेशन टू नॉट कैप्चर इट, मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो ये फाउंडिंग प्रिमाइस था जिसके बेसिस पे मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स बिल्ड किए। वो सिस्टम्स ही डिजाइन थे कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन लेता है तो ही आपको पैसा आता है। एंड उन सिस्टम को डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करने के जर्नी के दौरान आई अंडरस्टूड कि मार्केट बिफोर गेटिंग इनटू अ मेजर इवेंट गेट्स इनटू अ कंसोलिडेशन फॉर सेवरल वीक्स एंड मंथ्स।
ठीक है। अच्छा, आए आप कोविड का क्राइस कोविड का फॉल देखें या इवन इलेक्शन का रैली, अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे आपको दिखेगा कि मार्केट इज इन अ क्लियर कट रेंज एंड यूजुअली इट इज इन अ चैनल और अ वेज। ठीक है। एंड सो ऑब्वियसली जिसको इवेंट में अपने पोजीशंस क्रिएट करने हैं उस ट्रेडर को स्ट्रक्चरली एक चैनल और एक वेज में अपने पोजीशंस बिल्ड करने होते हैं। एंड जब आप एक चैनल और एक वेज में एक पोजीशन बिल्ड करते हैं आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो आप सपोर्ट पे बाय करें या रेजिस्टेंस पे सेल करें। ठीक है। एंड क्योंकि मार्केट कपल ऑफ मंथ्स पहले वो पैटर्न क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो आप कुछ महीने पहले ही प्लान कर लेते हैं कि ये इवेंट मैं लॉन्ग साइड पे प्ले करूंगा या शॉर्ट साइड पे प्ले करूंगा। एंड मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब ये आपको याद होगा कि मार्च 10th मार्च 15 तक आपके मिड कैप इंडेक्सेस लार्ज कैप इंडेक्सेस सब ऑल टाइम हाई पे घूम रहे थे, एंड देन सेबी चीफ ने मार्केट वैल्यूएशंस पे कमेंट करके मार्केट ने उस पर काफी नेगेटिवली रिएक्ट किया और काफी शार्प करेक्शन दिया राइट टुवर्ड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हालांकि मार्केट ने उस समय बहुत शार्प करेक्शन दे रखा था, मार्केट ने अपना ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम लोगों ने न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया विद द मार्केट इन अ क्लियर अप ट्रेंड, एंड बिकॉज ऑफ द प्रिसीडिंग फॉल मार्केट ने सफिशियंट पोजिशंस क्रिएट लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी भी दे रखा था। And because of that, I decided कि it is more convenient for me to take a bet on the long side. यानी कि अगर मुझे wrong भी होना है तो भी मैं long के side पे wrong होऊंगा, ना कि short side पे. Because financial year closing market का uptrend पे था. And मैं ये बताना चाहूंगा कि आप चाहे 1 minute का chart trade करें या 1 minute का 1 month का chart trade करें, पैसा तभी मिलेगा जब market का 2, 3, 4 standard deviation move capture कर पाएंगे, और उतना मूव कैप्चर करने के लिए आपका कम से कम एक पोजीशन ओपन होना चाहिए। सो ये फाउंडिंग प्रीमाइसेस से एक सिस्टम बनना स्टार्ट होता है कि मैं मिनिमम इन लेवल्स पे 2 लॉट्स लूंगा, इन लेवल्स पे जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा तब मैं ये करूंगा। सो मार्केट को जस्ट एक रेफरेंस बना के इंडिविजुअल स्टॉक्स पे पोजिशन क्रिएट करना इंडिविजुअल स्टार्ट कर देता है, एंड मार्केट कुड हैव गॉन एनी डायरेक्शन, लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड। जैसे आपने बोला कि एनडीए 400 प्लस का एक ये कैंपेन उन्होंने चलाया था, ठीक है, एंड इवन इफ एनडीए 400 प्लस फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स भी कैंप्स में बटे हुए थे, सो द मोस्ट अनफेवरेबल सिनारियो फॉर द मार्केट वाज अ हंग पार्लियामेंट, बीजेपी कंप्लीटली इलेक्शन हार जाएगा ऐसा एंटिसिपेटेड नहीं था, even because despite anti incumbency, but hung parliament would have been the most unfavorable event, and 415 plus seats jeetna, kyunki obviously Rajiv Gandhi ka utna victory hai, and agar hum bole ki Narendra Modi is a stock, to that stock is clearly in an uptrend, aur jo stock uptrend mein hota hai wo new high laga leta hai, to is inke career mein new high is new seats. So typically you would expect that if he has won 300 seats in the past, he might go for 350 in the future, and he might even get it. So two outlier events ban rahe the. Ek outlier event ye tha ki NDA would capture more than 400, 415 seats. This was one outlier event. And the other outlier event was that they do not have a decisive majority. कि मतलब उनके 250 या 260 सीट्स में आके या 270 जस्ट टच करके वो सिमट गए, एंड देयर इज हॉर्स ट्रेडिंग गोइंग ऑन पोस्ट इलेक्शन। ये दो एक्सट्रीम इवेंट्स थे, एंड क्योंकि मैं लॉन्ग साइड पे प्ले कर रहा था बिकॉज आई वाज ऑन द लॉन्ग साइड, मैंने बाय कर रखा था, तो मेरा जो भी प्लानिंग था दैट वॉज फॉर अ हंग असेंबली, कि हालांकि मैंने लॉन्ग इसलिए क्रिएट किया है एंड मेरे पोजिशंस मैक्सिमम बेनिफिट करेंगे if NDA has a clear 415 plus kind of a mandate, though it would have been life changing event for traders, matlab ki in a single day or a single week they would have booked maybe 10 years equivalent of their salary, itna event change ho sakta tha us samay, halanki wo mere liye sabse favorable outcome tha, mera sara planning yahi tha ki what if it is a hung assembly
एंड उसमें आप देखेंगे कि अ फ्यू डेज बिफोर द इलेक्शंस सीनियर लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी केम एंड सेड कि हिस्टोरिक डे होगा, ठीक है। अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हिस्टोरिक बुल मूव होगा, उन्होंने बोला कि हिस्टोरिक डे होगा। एंड ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल आई एम थिंकिंग दैट कहीं वो हिस्टोरिक डाउनसाइड डे ना हो जाए। एंड सो जो लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट किए गए थे बिफोर द मार्केट, द क्वेश्चन वॉज दैट शुड आई गिव देम अप अगर पहला फॉल आता है, या शुड आई होल्ड देम टिल द डीप पोजिशनल लेवल, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि आई विल होल्ड देम टिल द डीप पोजिशनल लेवल, क्योंकि मैंने काफी पोजिशंस क्रिएट कर रखे थे, ऑलमोस्ट 20-25 ऑफ देम। एंड इतने पोजिशंस का एक ही दिन में सबका एसएल हिट हो जाना इज वेरी डिफिकल्ट। वो तभी होगा अगर मार्केट ने सिस्टेमिक चेंज लिया है। सो आई वॉज विलिंग टू होल्ड ऑन टू दोज पोजिशंस, एंड कॉन्सिक्वेंसली पोर्टफोलियो ने ह्यूज स्विंग लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि 23,100 से मार्केट मस्ट हैव करेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 2,000 पॉइंट्स ऑन द सेम डे, क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड एक्चुअली। एंड डिस्पाइट दैट आई सैट ऑन दोज पोजिशंस लार्जली बिकॉज मैंने दो चीजें की। एक तो जो मेरे गेन्स थे वो मैं गिव अप करने को तैयार था, तो पहले गेन्स आप ईट करो, और उसके बाद जितने गेन्स थे उतना मैं और गिव अप करने को तैयार था। तो सपोज कीजिए अगर मैं 25 लाख का गेन देख रहा हूँ, मैं 25 लाख और रिस्क लेने को तैयार था, विच मीन्स आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर अ 50 लाख स्विंग बिफोर आई वुड फाइनली गिव अप एंड से कि ओके बस हो गई, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। एंड द रीजन इज, ये जस्टिफाइड क्यों है मेरे माइंड में, ये जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि दिस इज द डे जहाँ जिसके लिए आपने सारी ट्रेनिंग की है एक्चुअली। आपका सारा सिस्टम बिल्डिंग, आपका स्टॉक सिलेक्शन, आपका एंट्री एग्जिट, ऑल द प्लानिंग जो आपने किया है वो इस सिंगल इवेंट के लिए है। एंड इलेक्शंस एंड दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर द प्ले डेज वेर यू आर होपिंग कि योर पोजिशन इज इन द मार्केट। तो आई वुड नॉट इंटायरली एग्री विद अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि इवेंट आ रहा है, आप अपने पोजिशंस लाइट कर लीजिए। मैं इतना एग्री नहीं करूंगा, बट मैं उनका पर्सपेक्टिव भी समझता हूँ, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी टाइम्स कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑप्शन बायर से, और इवेंट से पहले ऑप्शन बाइंग बिकम्स वेरी अनप्रॉफिटेबल जस्ट इवेंट से पहले, क्योंकि आपका विक्स इतना हाई हो जाता है, प्रीमियम इतना ज्यादा हो जाता है कि मार्केट को लिटरली 1,000 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा ताकि आप पैसा कमा सकें। सो उस सिनारियो में ऑप्शन बाइंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑप्शन में उसके मेजोरिटी प्राइसिंग का कंपोनेंट इज द प्रीमियम, वेयर एज फ्यूचर में मेजोरिटी प्राइसिंग इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 23,100 पे होगा तो उसका फ्यूचर भी 23,200 पे ही होगा, इट विल नॉट बी एट 44,000 और समथिंग, लाइक 100% ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा। बट वेयर एज एक ऑप्शन जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा, आप देखेंगे कि अगर नॉर्मली उसका प्रीमियम 100 पॉइंट होगा, इलेक्शन के पहले उसका 500 हो जाएगा। सो इतना प्रीमियम देने के बाद आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाती है, यू रियली नीड अ मूव इन योर डायरेक्शन। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन दे से कि आप इवेंट के पहले ट्रेडर्स को बोलते हैं कि आप पोजिशन एम्प्टी कर लीजिए, बट फ्यूचर्स ट्रेडर्स और स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए ये इतना जरूरी नहीं है। जी, मेरा यहाँ तो क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि पोजीशन बनाने का एक मौका आया मिड ऑफ मार्च में, एंड देन देयर वर ऑल दिस पॉलिटिशियंस हु वर मेकिंग दिस रिमार्क्स दैट मार्केट विल शूट अप एंड सिस्टम क्रैश हो जाएगा, एक हिस्टोरिक डे होगा. सो आई वांट टू नो हियर इज कि अगर पॉलिटिशियंस के उन कमेंट्स को इफ यू उनको अगर आप ध्यान नहीं देते तो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट वुड हैव मेड टू द प्रॉफिट्स दैट यू आर सिटिंग ऑन राइट नाउ. आई लाइक डोंट एट थिंक टाइम्स आई मीन टू से एट टाइम्स यू वांट टू कट द नॉइस, एट टाइम्स यू डोंट वांट टू लिसन टू टू मच न्यूज बिकॉज एट टाइम्स न्यूज फ्लो बैडली अफेक्ट्स आर डिजाइन ऑफ द ट्रेड. सो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट वुड हैव मेड अगर आपने पॉलिटिशियंस का वो जो रिमार्क था
Everyone, including the finance minister, the home minister, everyone was saying market will make a historic move. And did that comment in any way affect you to design your trade? नहीं देखिए, वो कमेंट तो प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर है, एंड ट्रेड डिजाइनिंग लाइक आई सेड 3 महीने पहले से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जब आप 3 महीने पहले, जब आप बेसिकली ट्रेड प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं साल के स्टार्ट पे ये डिसाइड कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर या इस 6 मंथ्स के लिए मैं कौन से टाइम फ्रेम्स पे काम करने वाला हूँ, और मैं टाइम फ्रेम का सिलेक्शन वो यूज करूंगा जो उस इवेंट के वॉलिटिलिटी को झेल सके, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जैसे अगर आप आरबीआई पॉलिसी मीट्स देखेंगे, तो जैसे ही गवर्नर 10 बजे बात करना स्टार्ट करते हैं, आपको 10 से लेके 11 बजे तक बहुत ही मैसिव आवरली कैंडल दिख जाएगा, ठीक है। और वो किसी भी डायरेक्शन में घूम जाएगा, क्योंकि उस इवेंट का इम्पैक्ट इज ऑन द इंट्रा इंट्रा डे। तो जो टाइम फ्रेम उसके इम्यून होता है वो डेली का होता है, तो डेली का टाइम फ्रेम उस इवेंट को इजिली झेल पाता है। यानी कि अगर आपने डेली 180 आर या 280 आर या 380 आर का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहा है उसके कारण एक्सक्लूसिवली आपका एसएल ट्रिगर नहीं होगा। बट जब इलेक्शन आ जाता है, तो आई डोंट फील कि सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम इज सफिशियंट, इट हैज टू बी इम्यून टू द डे नाउ। और इम्यून टू द डे में देन यू आर ऑटोमेटिकली वर्किंग ऑन सेवरल वीकली 80 आवर्स। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पोजीशंस को कितना लॉस हो पाता, सो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे कोई भी डिसीजन में मतलब न्यूज फ्लो का वेटेज इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट ओनली। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में इट डजेंट एग्जिस्ट, बट इट डज एग्जिस्ट इन हाउ आई कंडक्ट माई डे टू डे स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, एक फियर होगा मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, ठीक है। आप यूएस का 10 ईयर बिल देखेंगे तो वो ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग नाउ। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने बोल दिया कि आर पॉलिसीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएस, बट इन रियलिटी दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट दैट लॉन्ग। सो देर इज अ फियर दैट द मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कुड फॉल, सो दैट फियर इज ट्रिगरिंग मी टू बाय मोर बॉन्ड्स, एंड वेन इट इज ट्रिगरिंग मी टू बाय मोर बॉन्ड्स, इट इज मेकिंग मी कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसिस, क्योंकि जब भी पैसा आ रहा है इट इज गोइंग इन टू बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिकॉज द फियर इज दैट द इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल। और हम अभी लास्ट के 6 मंथ्स हैं जो हम देख रहे हैं, तो नाउ दिस इज अ फंडामेंटल लेवल काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं न्यूज या फंडामेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गवर्निंग सम एक्शन इन द मार्केट, इन द बॉन्ड मार्केट। बट इन द फ्यूचर्स मार्केट आई डोंट थिंक सो कि इवन इफ मतलब इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव सेड कि नहीं बढ़ेगा ही भाई, ठीक है, तो भी मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। बट ये होगा कि अगर कोई इतना सीनियर लीडर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक डायरेक्शन पे क्लियरली बोल के, क्योंकि उन्होंने बोला कि हिस्टोरिक मूव आएगा, अभी हिस्टोरिक मूव इज लाइक इट्स अ वेरी रैंडम स्टेटमेंट एक्चुअली, इट इट डजेंट मीन एनीथिंग। हिस्टोरिक मूव ओनली मीन्स वेरी हाई वॉलिटिलिटी, इट डजेंट मीन अप डाउन मल्टीपल अप्स, ये नहीं लगा था। तो हिस्टोरिक मूव आएगा, बट इतना बड़ा लीडर अगर सपोज कर लीजिए ये बोल देता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूज चैनल में आया था एंड दे आस्ट अबाउट MSP, ठीक है, ऑन द शुगर इंडस्ट्री। नो लॉजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि MSP जो वो इस साल दे रहे हैं, आज से 1 साल पहले भी कुछ दिया होगा, 3 साल पहले भी कुछ दिया होगा, 10 साल पहले भी कुछ दिया होगा, कभी बढ़ा होगा कभी घटा होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई एक सिक्योरिटी का बिहेवियर प्राइस में ये है, इट इज नॉट न्यू फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट, सो आई वुड नॉट फैक्टर दैट काइंड ऑफ न्यूज। सो बट येस, मे बी एट सम लेवल सीनियर लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं, इट इफेक्ट्स माई बिहेवियर इन अदर मार्केट्स, बट फ्यूचर्स मार्केट में इट डज नॉट इम्पैक्ट इट। सो कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता आई थिंक उस पोजीशन में। आई वाज ऑलरेडी क्लियर कि मैंने क्या करना है मार्केट में, बट आई वाज ऑब्वियसली जब एक्सपायर जब वो एग्जिट पोल आया था, तब मेरे नोशनल गेन्स वर एट +25 लाख। फिर जब क्लियर होने लग गया कि बीजेपी इज लूजिंग 30+ सीट्स 40+ सीट्स इन यूपी, माई नोशनल गेन्स फ्रॉम +25 लाख केम टू -15 लाख, ठीक है, इन द सेम डे, एंड देन इट क्लोज द डे एट -1 लाख। और
उसमें आई हैड ऑल्सो मेड अ ट्रेडिंग मिस्टेक, मतलब कोई एक स्टॉक को 100 पे एग्जिट करना था, गलती से मैंने 110 पे एग्जिट कर दिया, समथिंग लाइक दैट, जिसका भी मुझे कॉस्ट पड़ा. एंड सो दैट वाज द ओनली वन मिस्टेक दैट आई मेड इन द होल डे, अदरवाइज देयर वाज नो अदर मिस्टेक. एंड जब वो डे क्लोज हुआ, आई हैड अ क्लियर इंफॉर्मेशन कि मुझे क्या करना है. नेक्स्ट डे एज सून एज द मार्केट डाउन, आई मेड एन अटेम्प्ट एट बाइंग इट. एंड उसके बाद नाउ द मार्केट इज एग्जैक्टली वेयर इट वॉज ऑन मंडे, बट अभी आप देखेंगे कि गेन्स हैव जंप फ्रॉम 25 लाख टू 50 लाख. कुछ लाइफ सिंपल नहीं हुआ, गेन्स ज्यादा हो गए हैं, बट वो अभी भी रिस्क पे हैं क्योंकि अभी भी एक्सपायरी को काफी टाइम है. बट दिस इज द जर्नी, मतलब कि आपको मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डेज में ही पैसा देगा, वो पैसा देगा बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंफर्टेबल नहीं होने वाला. सो यू हैव टू बी रियली, यू हैव टू विजुअलाइज कि ये जो मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ ये जाने वाला है, फिर इसका 3 गुना आने वाला है. सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम सिटिंग एट नोशनल गेन्स ऑफ से 50 लाख रुपीज, ठीक है. एंड कई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पे बुक करेंगे, एंड आई एम लाइक कि दैट्स नॉट द करेक्ट क्वेश्चन. द करेक्ट क्वेश्चन है कि हम वापस कहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है. इट्स एन अप ट्रेंड, सो नाउ वापस अगर खरीदना है तो कहीं से पैसा आना है, तो कहीं तो कुछ ना कुछ तो बुक होना है. सो देर आर दीज क्वेश्चन विच लीड यू टू अदर ट्रेड फॉर्मुलेशन की. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डी बुलिश है बिकॉज इट इज इन एन एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड, बट ग्लेनमार्क इज अप्रोचिंग एन अप ट्रेंड, तो मैं ग्लेनमार्क, और मुझे मार्जिन चाहिए ट्रेड करने के लिए, मैं ग्लेनमार्क स्क्वायर ऑफ करके डॉक्टर रेड्डी में पोजीशन इंक्रीज करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर रेड्डी को ग्लेनमार्क से कम मार्जिन लगता है. अभी इतना फाइन लेवल पे ये जो काम होता है, दिस ओनली हैपेंस एट एन अकाउंट लेवल वर्क. एंड या बट द डिसीजंस आर टेक्निकली बेस्ड, मतलब कि क्या करना है वो पहले क्लियर होता है काफी हद तक. ये सब नोन है बिफोर डूइंग ऑल दिस. Actually, I have two, three questions just to I am not an experienced trader as you know. तो ऐसा एक एक क्वेश्चन ये है दैट यू सेड कि एक बड़े इवेंट से पहले मार्केट कंसोलिडेट होने लगता है एंड यू कैन सी द साइंस वीक्स इन एडवांस और इवन मंथ्स इन एडवांस. व्हाट आर दीज साइंस बेसिकली, क्या है ये जो साइंस यू आर सेइंग कि यू मीन कि मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है या फिर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है? व्हाट आर दीज साइंस? साइंस इज आपको पहले तो ATR, एक एवरेज ट्रेडिंग रेंज है, उसमें ह्यूज ड्रॉप दिखेगा आपको. सो अगर निफ्टी का एवरेज ट्रेडिंग रेंज इज 250 पॉइंट्स इन अ डे, वो ड्रॉप होके 80 पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंडली मार्केट विल इजिली ब्रेक अ पिवोटल हाई एंड लो बट विल नॉट गो बियॉन्ड इट. सो लेट अस से अगर किसी सिक्योरिटी का हाई पॉइंट है 20,000, मार्केट 20,000 ब्रेक करके 20,150 चला जाएगा, बट वहां पे नहीं सस्टेन करके वापस आ जाएगा. एंड अगर उसका पिछला लो था 18,800, वो 18,800 तक बहुत कंफर्टेबली पहुंच जाएगा सिंगल, एक सिंगल ही वेव में, ठीक है. और ये ऐसे 3 4 5 बार करेगा, सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये दिस विल और ये हैपन थ्री सारी फोर चार्ट्स फाइव पे होते हैं. हाँ मतलब सारे सी बेसिकली कंसोलिडेशन तो आना तय है. द प्रॉब्लम इज कंसोलिडेशन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चैलेंज ये है कि हर कंसोलिडेशन के बाद इतना बड़ा ब्रेक नहीं आता है, मार्केट इनडेफिनेटली भी कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है. तो बट एक मेजर मूव के पहले कंसोलिडेट होता ही होता है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. सो कंसोलिडेशन इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट टू अ ब्रेकआउट, बट इट डज नॉट गारंटी द ब्रेकआउट. एंड दैट इज द रीजन, एंड दैट इज वेयर द प्ले इज एक्चुअली हैपनिंग, दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू डिसाइड कि अगर ब्रेकआउट आएगा ये किस साइड पे आएगा. एंड इसमें ट्रेडिंग का जो रूल है वो ये है कि जो भी पिछला ट्रेंड था बिफोर द कंसोलिडेशन उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा. एंड अभी जैसे हमने देखा कि दैट वॉज माई पॉइंट कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर द ट्रेंड वॉज अप, एंड देन व्हेन मार्केट कंसोलिडेटेड इट वॉज अ क्लियर डिसीजन दैट इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द रेजिस्टेंस आई विल बाय द सपोर्ट. सो एवरी टाइम इट केम टू द सपोर्ट आई वॉज बाइंग समथिंग, बट एवरी टाइम इट वेंट टू द रेजिस्टेंस आई वॉज नॉट शॉर्टिंग एनीथिंग, ठीक है. एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट केप्ट बिकमिंग अ लॉन्ग हैवी पोर्टफोलियो, बट एंड देन द ब्रेकआउट डिड हैपन, इट वॉज अ ब्रेक डाउन फॉलोड बाय एन इमीडिएट ब्रेकअप.
विच इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैटर्न. मतलब जो पैटर्न स्टडी करते हो, उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रेक्स ऑफ पैटर्न्स बहुत बार स्टडी किया होगा. एंड मेरे माइंड में था कि डेली चार्ट में आने वाला ये ब्रेक मैं प्ले करूंगा, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. नाउ जस्ट टू एड टू दैट, कोविड के पहले वाला भी कंसोलिडेशन जो था उसके पिछला मूव भी अप ट्रेंड ही था, बट ब्रेकडाउन आया नीचे की तरफ. ठीक है, सो इट इज नॉट, सो द जनरल रूल इज दैट यू शुड ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रीसीडिंग मूव. तो कोविड के पहले मैं लॉन्ग ही था, ठीक है, बट जब वो ब्रेकडाउन आया तो पहले लॉन्ग पोजीशंस खाली हुए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन रैली ऊपर की तरफ आया तो वहां पे सेल पोजीशंस क्रिएट किए. एंड सो दिस इज सॉर्ट ऑफ, दिस इज द चैलेंज बेसिकली, कि यू विल रिकॉग्नाइज द कंसोलिडेशन, यू विल रिकॉग्नाइज द एक्सपेंशन, बट यू कैन नॉट यूज अ कॉजेशन कि क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है तो नेसेसरीली तीसरे टेस्ट के बाद एक्सपेंशन आएगा. हाँ ओके, यू कांट से कि कितने कंसोलिडेशंस होंगे या और होंगे भी कितने पिवोटल नहीं। टेस्ट होंगे या कितने, हाँ क्योंकि मार्केट का टेंडेंसी अभी जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि वी आर यूज्ड टू सीइंग अ बुलिश मार्केट. ठीक है, द लॉन्गेस्ट द मार्केट वेंट इन अ रेंज वाज फ्रॉम अक्टूबर 21. नाउ अक्टूबर 21 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था एंड रशिया यूक्रेन वॉर फेब्रुअरी 22 में स्टार्ट हुआ था. सी दिस, 4 मंथ्स बिफोर दैट द हाँ मार्केट स्टार्टेड, यानी कि ऑलरेडी द मार्केट हैड एंटिसिपेटेड कि समथिंग नेगेटिव इज हैपनिंग. ठीक है, सो अक्टूबर 21 इट बिगैन रिसीडिंग. डिसंबर 21 मार्केट वॉज इन सिवियर पेन, इट वॉज इन सिवियर पेन. ठीक है, जनवरी 22 में इट स्टार्ट राइजिंग एंड बाय फेब्रुअरी 22 से बिकेम क्लियर कि रशिया नहीं छोड़ने वाला इनको. ठीक है, कि इंडेक्स फेल बाय 30-35% विद इन लाइक 4 मंथ्स. स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल हाँ कैप इंडेक्स 12,000 से 8,000 आ गया. ठीक है, अभी 35% इंडेक्स का टूटना 4-5 महीनों में, इट इज नॉट अ जोक. ठीक है, बिकॉज स्टॉक्स 80% लूज कर देते हैं वैल्यू. ठीक है, सो बट द पेन वॉज ऑलरेडी बिगिनिंग टू फील फ्रॉम नवंबर डिसंबर. यू कुड ऑलरेडी फील इट कि ये चेंज होना स्टार्ट हो चुका है. यू आर बाइंग द सपोर्ट, इट इज गोइंग अप, बट इट इज नॉट टेस्टिंग, इट्स नॉट कमिंग क्लोज टू द रेजिस्टेंस ऑल्सो. एंड दैट इज, एंड यू एज अ ट्रेंड ट्रेडर विल स्टार्ट सीइंग कि द स्टॉक नीचे आया, आपने बाय किया, जब ऊपर गया टारगेट हिट नहीं हुआ और नीचे ही आया, नीचे आ तो गया। हाँ या देन यू आर गेटिंग रेडी नाउ कि मे बी जो सिस्टम में पहले ले रहा था बाइंग के लिए, ये नहीं चलने वाला है. फिर आपके पास उतना एक टाइम होता है न्यू सिस्टम क्रिएट करके, डिप्लॉय करके, टेस्ट करके डिप्लॉय करना, उसका रिजल्ट मॉनिटर करके आगे का प्लान बनाना, और जब तक आप ये करते हो तब तक मार्केट फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है. तो ये एक टफ फेज स्टार्ट हो जाता है मार्केट का. हाँ सो बट द डिफरेंस यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो तो आप एक फ्रेमवर्क बना देते हो, उसको डिप्लॉय भी कर देते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, बट वो आपके एक मेमोरी में रहता है कि दिस इज माय फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग अ सेल साइड डिसीजन, दिस इज माय फ्रेमवर्क ऑन हाउ आई टैकल रेंजेस. तो जब आपको वो फ्रेमवर्क इन क्वेश्चन आता है, यू आर मच बेटर प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट टाइम एक्चुअली. ओके हाँ तो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये और था दैट आपने डिसाइड कर लिया था दैट यू वांट टू गो लॉन्ग एंड स्टॉप लॉस सेट थे एंड व्हाट वन टर्म यू यूज्ड वाज यू वांट योर स्टॉप लॉस डीप पोजिशनल लेवल पर। व्हाट या डज दिस मीन? इट मींस कि आई एम गोइंग टू यूज वीकली चार्ट्स टू यूज डिटरमिन वेयर आई एम गोइंग टू एग्जिट. इफ आई यूज द वर्ड स्विंग लेवल्स देन आई विल बी यूजिंग डेली चार्ट्स. ठीक है, इफ आई से इंट्राडे लेवल्स देन आई विल बी यूजिंग आवरली एंड 1 आवरली चार्ट्स. इफ आई से स्कैल्पिंग लेवल्स देन आई विल बी यूजिंग 5 मिनट चार्ट्स. सो पोजिशनल मींस वीकली चार्ट्स को मैं रेफरेंस बना के, एंड ये बहुत बड़ा जंप है. एक फ्यूचर्स ट्रेडर वीकली चार्ट यूज करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है. फ्यूचर ट्रेडर्स आर यूजली गोइंग टू यूज डेली चार्ट्स. ठीक है, बट मेरा डिसीजन एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओनली कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो इन विद द वीकली चार्ट, एंड दैट डिसीजन इज बेसिस मेनी पैरामीटर्स, नॉट जस्ट द इलेक्शंस. देर इज दिस ह्यूज चेंज इन हाउ मच वी आर पेइंग फॉर ट्रेडिंग आज के डेट में. ट्रेडिंग हैज बिकम एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोफेशन. बेसिकली ब्रोकर, एक्सचेंज, हर कोई ट्रेडर से कमा रहा है. ठीक है,
ट्रेडर एज एन एंटिटी के पास, जैसे सपोज करो कि यू आर वर्किंग इन अ 9 to 9 काइंड ऑफ अ जॉब, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव बैंडविड्थ टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू यू नो इन्वेस्ट समथिंग बिग इन लैंड और ओपन अ फ्रेंचाइजी ऑफ आई डोंट नो मे बी अ सोप कंपनी. इट्स इट्स वेरी टफ. तो नीड टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज इज देयर फॉर एवरी वन, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, नीरज है, कोई भी हो, हम सबका एक नीड है. और वो नीड मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी फुलफिल करता है. एंड उस नीड को एक्सेसिबल टू ऑल बनाने के लिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, द फैक्ट दैट दे आर चार्जिंग ट्रेडर्स सो मच मोर देन इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट में गेस्ट अपियरेंस करते हैं, इट इज एन इंसल्ट बेसिकली. इट इज लाइक सेइंग कि आई डोंट नो, मतलब दे शुड बी गिविंग द ट्रेडर्स अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक्चुअली, क्योंकि हम अपने ऑफिस में आए हैं. वेयर एज अ विजिटर जो है वो एक इन्वेस्टर जो है इज लाइक अ विजिटर एक्चुअली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट इन टाइम माई माई बुक्ड एंड अनबुक्ड FNO losses, like the losses that are FNO gains, the gains that I have booked and the gains that are unbooked, is close to 70-75 lakh at this point in time, and we are yet to complete the first quarter. Now, can you imagine? I have to pay 25 lakh as tax. Can you imagine that? और इसमें किस मतलब सारा दिन मैं काम करूं, सारा प्लानिंग मैं करूं, अपना पैसा मैं लगाऊं, ठीक है, ब्रोकर का भी सिस्टम काम नहीं करता तो वो भी मैं ही झेलूं, ठीक है, दुनिया भर का एसटीडी पे करूं, मार्जिन भी डिपॉजिट करूं, सब कुछ मैं करूं, सिंपली बिकॉज आई वांट टू बी एबल टू प्रोवाइड बेटर फॉर माय फैमिली, आई वांट टू बी एबल टू अर्न लिटिल बिट मोर फॉर माय फैमिली. एंड देन उसके बाद जब मैं 1 out of 250 ट्रेडर बन जाऊंगी, मुझे पैसा आ भी गया, तो 75 में से 25 लाख मैं गवर्नमेंट को दे दूं, इट्स अनरियल. और यहीं पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर 75 लाख कमाता, वही बड़ा पेड जस्ट 7.5 लाख, ठीक है, ये कंपैरिजन ही नहीं है. एंड एंड वेयर इज द डिफरेंस, एसटीडी मतलब हाउ मच वी आर पेइंग वर्सेस हाउ मच एन इन्वेस्टर इज पेइंग, दिस इज अनफेयर, ठीक है. देर इज नो वन हु इज नो इंस्टीट्यूशन विच इज टॉकिंग अबाउट इट, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात, ठीक है. बेसिकली दे आर फ्लीसिंग ट्रेडर्स लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, दे आर फ्लीसिंग ट्रेडर्स लेफ्ट राइट सेंटर. वी आर बींग मेड टू पेड ऑब्सीन अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड फॉर वॉट, मतलब एक गवर्नमेंट का रोल मैं समझ गया कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने ये तो टेक सम मेंबरशिप फी ना, 10, 20, 30, 50 थाउजेंड रुपीज, मतलब वॉट एल्स डू यू वॉन्ट नाउ, ठीक है. सो आई बट फील सॉरी कट कि या सो बेसिकली दीज कॉस्ट द कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, टैक्स इम्प्लीकेशंस, वॉलेटिलिटी इम्प्लीकेशंस एंड द शेयर हेडेक ऑफ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस has resulted in me creating trading systems which are designed to protect my peace of mind. But even then, the fact that I have to pay 30% of this income as tax, I don't believe they deserve it. I don't believe it is their role in this. क्योंकि इसमें the downside is catastrophic for me. ठीक है, मतलब अगर upside है तो downside is not just financial, health, relationship, सब कुछ. The downside is huge. So, जब मैं इतना, और कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए ना, आप कॉर्पोरेट टैक्स भी 25% रखा हुआ है, शॉपकीपर्स एक्सेट्रा को बोल दिया हुआ है कि 6% ऑफ योर रेवेन्यू आप दे दो, एंड ट्रेडर्स को 30% रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर इन द इनकम स्लैब विद लिटरली नो स्टैंडर्ड डिडक्शंस अदर देन इन इंटरनेट बिल एंड समथिंग लाइक दैट. हाउ आर वी टू हाउ डज इट जस्टिफाई टेकिंग सो मच रिस्क, एंड इट इज ओनली हियर इन दिस कंट्री. तो बहुत स्कोप है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज किलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड फोर्सिंग इवन एक्टिव ट्रेडर्स टू गो एंड बिकम लॉन्ग सॉर्ट ऑफ पोजिशनल एंड इन्वेस्टर्स काइंड. बिकॉज व्हाट डज इट मीन दैट आई एम गोइंग टू गो ओनली लॉन्ग, इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक शॉर्ट. एंड व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू टेक शॉर्ट, बिकॉज देर इज ह्यूज कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट इंटायर प्रोसेस. क्योंकि अगर एक स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज 100 से 120 का है, ठीक है, मैंने 100 रुपए पे उठा लिया, वो स्टॉक इस समय 118 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, एंड अगर मैं डिसाइड करता हूँ मैं ये लॉन्ग शॉर्ट करूंगा, तो 118 पे मेरा एसएल हो जाएगा 116 रुपए 80 पैसे का, और वो जैसे ही उसको हिट करेगा मैं सेल भी कर दूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 120, टारगेट 100, ठीक है, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट इन द सेम रेंज. बट इफ आई डिसाइड टू ट्रेड ओनली लॉन्ग, कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गो शॉर्ट यू वॉन्ट टू गेट एट अ हायर वैल्यू ऑल्सो, नहीं तो यू क्रश्ड. सो इफ आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग, आई एम गोइंग टू चूज दैट वैल्यू जहां पे उसका आने का चांस बहुत कम है,
और अगर आ जाए तो ठीक है ले ले पैसे, राइट right. सो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी कम क्यों कर रहा है बंदा डिस्पाइट से फॉर एग्जांपल स्टडिंग द मार्केट फॉर 5-10 आवर्स और यू नो डेली ट्रैकिंग एंड डेली मेकिंग नोट्स. व्हाई इज दैट? बिकॉज़ द कॉस्ट इज बिकमिंग सो मच दैट इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स माइट फाइंड इट डिफिकल्ट. सो आई फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग जब कोई बंदा बोलता है मेरा 50,000 का है या 1 लाख रुपए का और मैं FNO ट्रेड करने आया हूँ. आई एम लाइक कि यू आर नॉट सीइंग ओनली, आप पढ़ ही नहीं रहे हो. वो खुद ओपनली बोल रहे हैं 50% ऑफ व्हाट यू अर्न गोज इनटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट. उसके बाद इनकम टैक्स तो अलग लग रहा है, ठीक है. सो दिस हैज बीन एंड आई विल शो इट इन सब्सिक्वेंट टाइम्स व्हेन वी मीट कि हाउ आई हैव मेड एडजस्टमेंट्स सो एज टू रियली रियली रिस्ट्रिक्ट कॉस्ट. आपको कॉस्ट नहीं दिखेगा वहां पे, ठीक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू मी. दैट्स व्हाई आई एम परस्यूइंग इट एट द मोमेंट. हाँ, बट आपको नहीं लगता दिस कॉस्ट, द हाई कॉस्ट, सिंस ये इतना रिस्की है, स्टॉप्स पीपल हु डोंट रियली हैव नॉलेज जैसे मैं फ्रॉम ट्रेडिंग? नहीं, नॉलेज का क्या है यहाँ पे? आपको मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी ना बनना है टू बी एबल टू ड्राइव अ कार. यू नीड एन इंजीनियरिंग टू एबल टू ड्राइव अ कार. यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ हाउ टू ड्राइव अ कार. सीट बेल्ट पहनो, लेफ्ट साइड से ओवरटेक मत करो, प्रॉपरली चलाओ, स्पीड लिमिट को रिस्पेक्ट करो, एंड एवरीवन इज हैप्पी. यू आर हैप्पी, एवरीवन अराउंड यू इज हैप्पी. इन द मार्केट यू आर पेड फॉर हाउ यू बिहेव, नॉट हाउ यू नो. नीरज इज अ सीए ना, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स विल बी 100x ऑफ माइन, ठीक है. तो देन हाउ इज इट दैट वी आर ट्रेडिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स? बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, ठीक है. द मार्केट इज अ प्लेस फॉर यू टू, फॉर एग्जाम्पल, अगर यू आर, लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज डेस्टिन टू लूज मनी, ठीक है. इफ ही और शी इज डेस्टिन टू लूज मनी, एटलीस्ट ही और शी शुड हैव द राइट टू चूज वेदर ही वॉन्ट्स टू बाय 1 लॉट और 0.1 लॉट. वाई डज द पर्सन हैव टू बाय 1 लॉट ओनली, ठीक है. इतना बड़ा सेटलमेंट, इफ यू आर चार्जिंग सो मच टू सेटल, देन गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू गो फ्रैक्शनल ना. व्हाई शुड आई हैव टू बाय? सी द लॉट साइज. से फॉर एग्जांपल अ स्टॉक लाइक आई डोंट नो, लाइक डिक्सन, दैट स्टॉक इज ट्रेडेड एट 11,000 समथिंग विद लॉट साइज ऑफ 100. एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू माइट हैव समथिंग आई डोंट नो, लाइक कोटक. स्टॉक इज वैल्यूड एट 1600 एंड लॉट साइज इज 400. सो 6,40,000 से लेकर 12 लाख तक का लॉट साइज बना रखे. गिव मी दी ऑप्शन टू चूज 0.1, 0.01. मेक इट इजियर टू Makes फॉर द sense. ट्रेडर टू सेट, सो दैट दैट इफ द पर्सन हैज टू लूज ही विल लूज आफ्टर 500 ट्रेड्स ना. व्हाई डज ही हैव टू लूज इन द फर्स्ट ट्रेड ओनली? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड फिर वापस चालू करेंगे. आई नीरज, अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस हो तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस स्टार्ट करते हैं. A few moments later. हेलो, हाय साहब. हाय हाय. तो हाँ, ब्रेक से पहले आप बस ये बता रहे थे दैट हाउ कॉस्ट्स आर अफेक्टिंग योर डिसीजन मेकिंग, और मतलब कैसे आप ट्रेड्स चेंज कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स चेंज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या कॉस्ट्स हैं. तो एक चीज, मैं एक्चुअली एक टेकी हूं, तो मैं एक चीज समझना चाहूंगा दैट यू आर सेइंग कि जो टैक्सेस लग रहे हैं हम पे, जो कॉस्ट एसोसिएटेड हैं ट्रेडिंग से, उसका डिसीजन मेकिंग पावर अभी तो क्या है? फॉर एग्जांपल एप्पल और सैमसंग है. एप्पल ये कहता है कि आपको फोन देंगे जो बहुत अच्छा चलेगा, बट आपके पास कोई डिसीजन नहीं है लेने का. आप चूज नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या करना है. आपके पास जो 3 ऑप्शन है आप उन्हीं में से चूज करें. और सैमसंग ये कहता है दैट कुछ भी कर लो अपने फोन के साथ, जो करना है, जो जहां करना है वहां पे आप वैसा कर सकते हैं. आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग कॉस्ट भी कुछ कुछ वैसी होनी चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि 30% टैक्स लग रहा है और आपके पास इतने ही लॉट्स हैं, आप यही लॉट्स में से चूज कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट डिविएट्स छोटे ट्रेडर्स को जो नए नए आए हैं उनको, उनके लिए कॉस्ट ज्यादा है तो वो नहीं करते इतना रिस्की काम. आप कहना चाह रहे हैं लेट द पीपल मेक द डिसीजन और फ्रैक्टल फ्रैक्शंस में कर दो उन्हें, सो दैट स्मॉल ट्रेडर्स ऑल्सो जो बिगिनर चालू ही कर रहे हैं वो भी आ सके और देख सके कि क्या ये उनके लिए है भी कि नहीं. क्योंकि अभी काफी सारे लोग
डिमोटिवेट हो जाते हैं ये देख के कि इतनी हाई कॉस्ट है और उनका कैपिटल इतना कम है कि अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन भी सकते हैं वो कभी घुसते ही नहीं है क्योंकि कॉस्ट इतनी हाई है। बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत देर तक पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितना पे कर दिया है, ठीक है। अच्छा बहुत सारे वो कई साल निकालने के बाद उन्हें पता लगता है कि अरे मेरा अगर 10 लाख का लॉस हुआ है तो उसमें से 6 लाख तो ये कृषि कल्याण टैक्स और स्वच्छ भारत टैक्स और एसटीटी और इन सब चीजों में लग गया है। अलग से जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो प्राइसिंग है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्यूचर्स में हम लोग एक प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम इसलिए देते हैं बिकॉज हम लेवरेज ले रहे हैं, और जहां पे आप लेवरेज ले रहे हैं यानी कि आप उधारी ले रहे हैं, और जहां पे आप उधारी ले रहे हैं वहां पे एक रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, और जितना ज्यादा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अभी फ्यूचर्स के केस में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का एक फ्यूचर उठा लिया, लॉट साइज 25 का है, आपने 1.25 लाख रुपए मार्जिन दे दिया, ठीक है। अभी अगर आपने से 1.25 लाख रुपए मार्जिन दिया है और लॉट साइज 25 का है, तो फॉर यू टू लूज 1,25,000 रुपीज, निफ्टी हैज टू करेक्ट गो अगेंस्ट यू बाय 5,000 पॉइंट, ठीक है। तो अपना मार्जिन डिफॉल्ट करने के लिए मार्केट हैज टू गिव अ 0.001 प्रोबेबिलिटी मूव, और उसपे भी ये सब इतना इलेक्ट्रॉनिक है कि से फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर ने सिर्फ मार्जिन डिपॉजिट किया है, और कोई भी ब्रोकर मार्जिन लॉस एक्सीड करने पे डिपॉजिट स्क्वायर ऑफ कर सकता है। एंड देन ऑल्सो देर इज अ थ्योरेट, पहले तो निफ्टी ने 5,000 पॉइंट का मूव दे देना है फर्स्टली, वो तो वही अपने मतलब इवन एट 25,000, आई एम सेइंग कि 23,000 निफ्टी पे भी 5,000 पॉइंट का मूव एक ही एक्सपायरी में वीकली या मंथली में आना बहुत ही ज्यादा टफ है। पहले तो वो होना चाहिए। दूसरा, जब वो 5,000 पॉइंट का मूव आ रहा है तब एक ऐसा गैप आना चाहिए लाइक क्रूड ऑयल का गैप कि नेगेटिव हो गया, उस टाइप का गैप आना चाहिए कि ब्रोकर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके। इसका प्रोबेबिलिटी वी आर डीलिंग वंस इन मे बी 30 ईयर्स काइंड ऑफ एन इवेंट सिनारियो। बट हम लोग जो प्रीमियम देते हैं इट इज अज्यूमिंग एज इफ दिस थिंग कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। तो ये बड़ी रियलिटी कैप्चर नहीं करता है। अगर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट 6.5% ईयर का है, तो एक ट्रेडर को भी अप्रोक्सीमेटली 0.6% या 0.5% से ज्यादा का प्रीमियम नहीं देना चाहिए, ठीक। बिकॉज दैट इज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेलेंट है मार्केट में, और अगर ये इंटरेस्ट रेट घटता है तो फ्यूचर्स के मार्जिन फ्यूचर्स के प्रीमियम भी वैसे ही घटने चाहिए जैसे अभी ये बढ़ाते जा रहे हैं। सो इट इज, देखिए आप अगर सेबी का वो भी देखेंगे कि हु आर दे देयर टू प्रोटेक्ट, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सेबी ने बोला थ्री आईज, द इन्वेस्टर विच इज अ पर्सन हु इज कमिंग टू बाय द सिक्योरिटी, द इशुअर सो द कंपनी विच इज लिस्टिंग द सिक्योरिटी, एंड द इंटरमीडियरी विच इज द ब्रोकर एंड द सेटलमेंट एजेंसी। नाउ वेयर इज द ट्रेडर? इज इनके फंडामेंटल डेफिनेशन में ही ट्रेडर नहीं है, ठीक है। तो दी 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 पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि दे नीड टू एमेंड दैट चार्टर ओनली, एंड दे शुड इंक्लूड ट्रेडर्स एज अ कैटेगरी इन दैट चार्टर ओनली, एंड इफ दे आर नॉट इंक्लूडिंग ट्रेडर्स इन दैट कैटेगरी एज अ चार्टर, विच मीन्स दैट अ ट्रेडर इज नो डिफरेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू देम, एक्सेप्ट दैट देयर टाइम फ्रेम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, देन पुट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर अस 15% वाला। ये 30% कहां से आ गया? वॉट इज दिस न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फॉर एन एंटिटी विच इज नॉट इवन डिफाइंड इन योर चार्टर, ठीक है। एंड यही बात अभी फ्रैक्टल, सी बेसिकली व्हाट डज द मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट हैपेंस अगर मार्केट में ट्रेडर ही ना हो, ठीक है। तो मतलब टू अंडरस्टैंड कि एक ट्रेडर क्या रोल प्ले कर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ट्रेडर्स ही नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप इंडियन एग्री कमोडिटी मार्केट देख लीजिए, ठीक है। 1 रुपए का प्याज 1,000 रुपए का हो जाएगा, 2 रुपए का टमाटर 250 का हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत कम ट्रेडर्स होंगे सिस्टम में तो वो सारे का सारा इंडिया का टमाटर खरीद के गोडाउनों में रख देंगे, जब तक टमाटर का रेट सोने की तरह नहीं होता तब तक रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाट डज अ ट्रेडर डू? अ ट्रेडर मेक श्योर कि मोनोपोली ना हो जाए सिस्टम में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को इतना ही कंसर्न होगा कि टमाटर और प्याज और सेब के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाके छोड़ दीजिए और उधर लिक्विडिटी रख दीजिए,
एंड आपको दिखेगा कि तो प्राइस चेंज नहीं होगा ऐसे ही, ठीक है। तो ट्रेडर्स आर बेसिकली आपको जो इंडस्ट्री में एक प्राइस स्टेबिलिटी दिखता है, कोई भी इंडस्ट्री अब जैसे आपका शर्ट है, अगर वो 500 रुपए का या 2,000 रुपए का, क्योंकि कहीं कोई कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है, तभी आपको ये रेट मिलता है, ठीक है। एवरी मेटल, एवरी कमोडिटी, एवरी इंस्ट्रूमेंट, एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एनी स्केल इज ट्रेडेड, एंड दैट इज व्हाट कीप्स द प्राइस स्टेबल। इट इज लाइक सेइंग कि आपके बॉडी में ब्लड का क्या रोल है, ठीक है। कुछ रोल्स तो आप डिफाइन कर देते हैं और वो बहुत विजिबल है, और कुछ लोग आर कुछ सम रोल्स आर अनडिफाइंड, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर देम इन द फ्यूचर, या फिर दे आर सो नैरोली कोरिलेटेड विद सम अदर प्रोसेस दैट इट इज इनसेपरेबल आफ्टर अ पॉइंट। तो सेम वे द ट्रेडर्स आर ऑफरिंग दिस रोल। नाउ व्हाट आई एम मेकिंग अ पॉइंट इज दैट जहां पे ट्रेडर ये सब कर रहा है, तो कोई बंदा जो ट्रेड कर रहा है, तो सी लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर हम तीन बंदे यहाँ पे बैठे, हम में से कोई भी फैक्ट्री नहीं खड़ा कर सकता था, इसलिए हमने फैक्ट्री खड़ा किया नहीं, ठीक है। तो एक 10, 15, 20, 25 करोड़ रुपए का फैक्ट्री खड़ा कर दो, दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप, ठीक है। हम लोग रियल एस्टेट चर्न नहीं कर सकते, इसलिए कर नहीं रहे, ठीक है, कि मैं 5 करोड़ के 5 प्रॉपर्टी लेके उनको रेंट पे चढ़ा के डेवलप कर दूं या कुछ कर दूं, वो भी नहीं। एंड दीज थिंग्स आर नॉट दैट इजी। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि मेरे पास बस पैसा होता तो मैं ये कर लेता, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई एक घर बनाने में मतलब अच्छे अच्छों की बस हो जाती है, एक शिपिंग पोर्ट चलाना तुम बिल्ड कर लो ना, तुम बिल्ड कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है इतना ही है, तो इफ अदानी इज बिल्डिंग 100, यू बिल्ड 99 करोड़ एंड टेक द ऑर्डर एंड सी इफ यू कैन डिलीवर इट, हाउ कैन यू रन अ शिपिंग पोर्ट, ठीक है। सो माय पॉइंट इज दैट कि हियर बेसिकली इंडिविजुअल्स कम अप विद देयर यूनिक स्किल सेट्स। बेसिकली जब एक इंडिविजुअल बोलता है कि मैं मार्केट में आने वाला हूँ, वो ये बोल रहा है कि मैं प्राइस को चेक में रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर वो ये काम करने के लिए मार्केट में आ रहा है, तो वो कितने क्वांटिटी उठाता है, ठीक है, कितनी देर तक उठाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। सो इट डजंट हैव टू यू व्हेन यू आर बाइंग निफ्टी, इट हैज टू बी 25 क्वांटिटी ओनली, अदरवाइज डोंट बाय निफ्टी, जाओ। मतलब यू आर डिप्राइविंग अ पर्सन द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन इन द मार्केट सिंपली बिकॉज यू आर सेइंग द लॉट साइज इज 25। You, if you, I allow the individual to go up to 0.01, मतलब 1/100th of Nifty lot. If you want to participate in the elections, you can participate with 1/100th of a Nifty lot. Now you can invite the full country into trading, ठीक है, and formalize the structure and share the cost burden across the board, ठीक है, and make it more reasonable for everyone. Because आप initially क्या है कि लोग 100 रुपए कहीं से कमाते हैं, लाइक यू आर अर्निंग फ्रॉम सम प्लेस, आपने 100 रुपीज अर्न किए, आपने 50 रुपीज खर्चा किए, आपके 50 रुपीज बच गए, अब आप उसका प्लान बना रहे हैं और उसमें से कई प्लान्स में एक प्लान बनता है, चलो मार्केट में आए, तो आपने उस 50 में से 5 रुपए मार्केट में डाल दिए। बट कुछ लोग होते हैं जो उस इनिशियल 100 के लिए ही मार्केट में आए हैं और उनके पास और कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। अब वो 100 जब एक बिजनेस है, एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, इट कैनॉट बी टैक्स्ड लाइक सम सिक्योर इनकम सोर्स बिजनेस और दिस थिंग, इट कैनॉट बी टैक्स लाइक दैट। इट इवन इफ इट इज अ बिजनेस, इट हैज टू एटलीस्ट हैव कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड देन इट शुड बी अलाउड कॉर्पोरेट डिडक्शंस ऑल्सो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज अ ट्रेडर सपोज टू, जैसे अगर हाउ एम आई सपोज टू टेल द वर्ल्ड आई एम अ ट्रेडर, यू कम ऑन टीवी, तो आपको टीवी पे आने मतलब वॉट इज हैपनिंग, नोबडी इज पेइंग यू फॉर योर टाइम, ठीक है। सो दीज एक्सपेंसिस नीड टू देन कम समवेयर इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि एक बंदा जो अगर फुल टाइम लगा हुआ है, इस बंदे का प्रीवियस ड्रॉन सैलरी इतना इतना सैलरी तो इसका होना चाहिए, इतने सैलरी पे, सो देन मेक इट बेटर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। दीज करंट सिस्टम्स आर जस्ट डिजाइंड टू पनिश पीपल हु आर कमिंग इन द एनएसओ सेगमेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन पीपल आस्क मी आई हैव 50,000 1 lakh rupee वेयर शुड आई गो, आई से गो टू द कमोडिटी मार्केट एंड ट्रेड गोल्ड गिनी एंड गोल्ड पेटल एंड सिल्वर मिनी एंड ऑल दैट ना, वेयर आर यू कमिंग हियर जहां पे लॉट साइजेस आर 10-10 lakhs, यू हैव 50,000 1 lakh, तो गो टू अ मार्केट वेयर इफ यू वॉन्ट यू कैन लेवरेज 1 lakh, इफ यू डोंट वॉन्ट यू नीड नॉट लेवरेज 1 lakh, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। If you feel that gold is going to consolidate here, then you can just have 0.01 units of gold.
एंड कीप गोइंग 0.01 यूनिट्स ऑफ गोल्ड एंड एवरेजिंग इट लाइक एन इन्वेस्टर रादर देन हैविंग वन लॉट ऑफ गोल्ड लाइक विच इज लाइक वर्थ 50 लाख 70 लाख इन द करेंट मार्केट. वन लॉट ऑफ गोल्ड हैज अ 72 लाख मार्केट वैल्यू. अ 10% चेंज और अ 5% चेंज इन गोल्ड प्राइस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर अकाउंट बाय 3.5-5 लाख रुपीज. हाउ मनी दैट इज मोर देन द डीमैट अकाउंट्स ऑफ 98% ऑफ द कंट्री. तो ये लॉट साइज कौन बना रहा है? ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सेसिबल नहीं गेटिंग. है. एक्सेसिबल नहीं बना रहे हैं ये. दे आर मेकिंग इट प्यूनिटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फोर्सिंग योर दे आर मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आप क्रिकेट खेल रहे हो. ठीक है. आप क्रिकेट खेलते खेलते यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए विच इज रियली गुड. लाइक से यू आर एट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और जयपुर मतलब उस स्टेट के यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर. यू आर प्लेइंग यू आर द टॉप 3% 2% ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर्स इन द कंट्री राइट नाउ. ठीक है. बट स्टिल द चांसेस दैट यू विल प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट टीम आर नेक्स्ट टू निल डिस्पाइट बीइंग देयर. ठीक है. एंड यू डेडिकेट 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ प्लेइंग क्रिकेट. नाउ व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल करियर चॉइस फॉर यू आफ्टर दैट? बिकम अ क्रिकेट कोच और वेंचर इन टू स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज और वेंचर इन टू स्पोर्ट्स ब्लॉगिंग. ठीक है. बिकम समथिंग अराउंड फिटनेस. ठीक है. गेट इन टू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म समथिंग अराउंड स्पोर्ट्स नाउ बिकॉज यू हैव गॉन एंड डेडिकेटेड फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ इन टू दैट स्पोर्ट. नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग ट्रेडर्स. वो आते हैं मार्केट में 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल करने के बाद दे रियलाइज कि 10 लाख कमाए और 7 लाख रुपए दे दिए गवर्नमेंट को. घर तो चलने नहीं वाला है इससे. घर नहीं चलने वाला है. सो लेट अस जस्ट टीच पीपल नाउ. ठीक है. हाउ एल्स शुड डू इट नाउ? आप 15 15 घंटे ही ये काम कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट अस टीच पीपल लेट अस गिव एडवाइजरी लेट अस डू समथिंग. इट इज ड्रिवन नाउ. ये रिक्वायर्ड हो चुका है बिकॉज आप मार्केट से तो ऐसे नहीं छाप सकते. एंड अभी आप बोल दो कि चलो आई विल स्टार्ट दिस सर्विस सो लेट्स गो एंड अप्लाई फॉर अ लाइसेंस. नाउ सेबी विल टेक 2 ईयर्स 1 ईयर टू गिव यू दैट लाइसेंस. हाउ कैन इट टेक 1 2 ईयर्स फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर टू गेट अ रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस? ठीक है. इट शुड हैपन विद इन 2 वीक्स ऑफ एप्लीकेशन. आई फील आपने टेस्ट दिया आपने टेस्ट पास किया. उन व्हाई आर दे चेकिंग योर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स? व्हाई आर दे चेकिंग योर नेटवर्थ? व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद इट? यू शुड जस्ट चेक द पर्सन कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो कैश आता है आपका कि ये उसके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं टू प्रूव दैट दिस पर्सन हैज बीन इन द मार्केट फॉर 15 ईयर. लेट्स से इफ आई हैव 15 ईयर्स ऑफ बॉन्ड मार्केट एक्सपीरियंस आई कैन स्टिल एड वैल्यू. व्हाई डू आई हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस टू बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट और एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विच डज नॉट इवन टेस्ट यू ऑन योर ओन मार्केट पार्टिसिपेशन? उन्होंने कहाँ पूछा हमसे कि आप बताइए कि आपने मार्केट में 5 सालों में क्या किया? ठीक है. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस लॉस ऑफ 8 लाख रुपीज? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस गेन ऑफ 15 लाख रुपीज? वॉट दे आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दिस. इट्स अ प्रोसेस वेर यू एंड अप पेइंग 15 20 25 थाउजेंड रुपीज एंड स्पेंडिंग अ ईयर टू गेट अ लाइसेंस एंड नाउ इट इज अप टू यू टू बी एबल टू मोनिटाइज दैट लाइसेंस. ठीक है. सो दिस इज नॉन सपोर्टिव. दिस इज अ वेरी नॉन सपोर्टिव काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. एंड दिस इज वेयर आई फील कि व्हेन अ पर्सन इज सेइंग कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मनी इज द ओनली गुड थिंग इन दिस कि आपको मिल जाएगा पैसा और कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा. मतलब अगर आपको दिख रहा है वहां पे पैसा तो वो आपका है. इट इज अप टू यू. आप बटन दबाओ और ले लो. ये बहुत सही है. आपको चोरी मतलब चोरी के चांसेस बहुत कम है कि कोई आपके डीमैट अकाउंट में घुस के आपका पैसा ले गया या सिक्योरिटी स्क्वेयर ऑफ कर दिया. वेरी लो. जो थोड़े बहुत थे वो भी अभी आप देखेंगे तो टी पिन एंड पावर ऑफ अटर्नी एंड ऑल दीज प्रोसेसेस करके दे इवन दीज हैव बीन चेक्ड. सो विद सच दैट्स द गुड पार्ट. बट द नेगेटिव पार्ट इज दिस कि इट्स एक्सप्लॉइटेटिव इन इट्स प्राइसिंग. इट इज नॉट फेयर टू द इंडिविजुअल एंड इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब मैं भी 10 साल से ट्रेड कर रहा हूं तो आप मुझे बोल दो म्यूचुअल फंड खड़ा कर दो. गो एंड ट्रेड अ म्यूचुअल फंड. खड़ा करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए. 50 करोड़ तो नीड टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट. इट्स नॉट कि ये आपका एवरीडे बंदा कर ही नहीं सकता ये. सो यू हैव फोर्स्ड समथिंग जिसका रिक्वायरमेंट इज एट अ B2C लेवल टू बी केटर्ड ओनली बाई इंस्टीट्यूशन विच रीच अ सर्टन लेवल ऑफ फाइनेंसिस नॉट अ सर्टन लेवल ऑफ ट्रेडिंग कॉम्पिटेंस. इनफैक्ट यू डोंट इवन रिकग्नाइज ट्रेडिंग इन योर चार्टर एंड यू हैव नो प्रोविजन फॉर ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन एंड इट हैज द मोस्ट पीनलाइजिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री. अबव एवरेज मार्जिन एंड एक्सप्लॉइटेटिव प्राइसिंग एंड देन यू सेंड आउट अ डिस्क्लेमर दैट 90% पीपल आर लूजिंग मनी.
पर्सन नॉट लूजिंग द मनी इज द एजेंसीज हु आर टेकिंग द मनी. ठीक है, पीपल हु आर नॉट लूजिंग द यहाँ मनी. जैसे आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात की, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैव स्काई रॉकेटेड, एंड जैसे हमने यहाँ गोल्ड डिस्कस किया, गोल्ड हैज गेन लाइक ओवर 30% इन लास्ट 6 months. सो फॉर द बेनिफिट ऑफ लेमैन इन्वेस्टर, कैन वी टेक एन एग्जाम्पल हियर, हाउ यू वुड हैव हेल्ड अ गोल्ड फ्यूचर्स पोजिशन इन अराउंड जनवरी 2024, एंड येट यू वुड हैव नॉट हैव रीप द फुलेस्ट बेनिफिट ऑफ द एप्रिसिएशन दैट गोल्ड हैज रीच्ड. हाउ कैन यू रीप? आप गोल्ड का, आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का स्पॉट वैल्यू से मार्जिन देखेंगे तो आप पर मंथ 1% देते हैं प्रीमियम. ठीक है, अगर गोल्ड का स्पॉट का वैल्यू 70,000 है ना, तो फ्यूचर का वैल्यू 70,700 है. ठीक है, अगर आप पर मंथ 1% प्रीमियम दे रहे हैं और आपने 8 महीने होल्ड कर दिए, तो 8% तो आपने सिर्फ प्रीमियम में दिया है, अलग से कॉस्ट तो सेपरेट हो गए. नाउ गोल्ड हैज टू गिव समथिंग लाइक अ 25-30% विच इज हिस्टोरिक इवन फॉर गोल्ड फॉर यू टू फाइनली मेक मनी. ठीक है, तो व्हाई आर वी पेइंग सो मच प्रीमियम? वेयर इज, हाउ कैन यू डिफॉल्ट? आपने आपने 1 लॉट गोल्ड मेगा ले लिया, ठीक है, तो आप डिफॉल्ट कैसे करेंगे? अगर आपके ब्रोकर ने आपका पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, इफ यू लूज 90% ऑफ योर मार्जिन वैल्यू, ही सेटल्स इट ऑफ. वो पोजिशन स्क्वायर ऑफ हो गया. अब बोल दिया अगर आपको फिर से लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, आप एक और नया क्रिएट कीजिए, बट ये तो स्क्वायर ऑफ हो गया. अगर ये रूल है 75% मार्जिन वैल्यू इरोडेड मींस पोजीशन सेटल्ड बाय ब्रोकर मैन्युअली, द ट्रेडर हैज टू गो एंड स्क्वायर ऑफ अ न्यू वन. हाउ कैन यू डिफॉल्ट नाउ? व्हाई शुड आई पे 1% एवरी मंथ जस्ट टू होल्ड ऑन टू अ गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट? देन उसके बाद अलग आ जाता है कि एमसीएक्स का टाइमिंग रात के 12 बजे तक कर दो, सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव का 5 बजे तक कर दो, स्टॉक मार्केट का 3 बजे तक कर दो. तीनों के लिए अलग लाइसेंसेस मांग लो. ठीक है, अभी नाउ यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर, व्हाई विल यू कीप अ स्टाफ टिल 12 इन द नाइट नाउ? सो नाउ व्हाट यू डू, यू ट्रेड गोल्ड. फॉर द फर्स्ट 3-4 ईयर्स ऑफ माई करियर, इनफैक्ट आई क्विट माई करियर एज अ कमोडिटी ट्रेडर ओनली. ठीक है, ये वेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि इट इज ₹X टू कीप अ स्टाफ टिल 4 o'clock एंड इट इज ₹X 3X टू कीप द सेम स्टाफ टिल 12 o'clock. ठीक है, यू रियलाइज कि भाई कमोडिटी नहीं करना है अब. इफ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, सो बिकॉज आई बिकेम अ प्रोफेशनल एंड आई हैड टू डू इट फॉर मल्टीपल पीपल, यू कांट डू इट एनी मोर. ठीक है, देन इफ यू आर परचेसिंग अ स्टॉक इन NSE, अलग प्राइस, BSE अलग प्राइस, MCX अलग ही प्राइस. ठीक है, एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट. हाउ आर वी टू व्हाई व्हाई लाइक दैट? ठीक है, वी आर ट्रेडिंग, इट्स द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट इज अंडर सेबी, इट शुड बी अंडर वन प्राइसिंग. यू कैन हैव GST 28% फॉर एन ईसी एंड कंसोलिडेटेड अक्रॉस द फुल कंट्री, बट यू कांट डिसाइड ऑन वट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग 1 lakh rupee इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन लेवरेज. ठीक है, सो दिस इज नॉट जस्ट दैट, देर आर नो स्टेप्स ऑल्सो. प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है. एवरी वन आर लाइक, दे आर लाइक ये होली ग्रेम सिस्टम है. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप 50 डे मूविंग एवरेज पे बाय करके 50 वीक मूविंग एवरेज का SL लगा दो, दैट्स इट. ठीक है, अगर उस स्टॉक ने ट्रेंड होना होगा ना, वो हो जाएगा. वो 50 पे सपोर्ट लेके 50 वीक मूविंग एवरेज 6 साल बाद टेस्ट करेगा, यू विल मेक योर मनी. दिस इज नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज मेक इट इजियर फॉर द पर्सन टू टेक सर्टन डिसीजंस विच द पर्सन कैन डिसाइड बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेस्ड इन लाइफ. कि मुझे एक 0.01 क्वांटिटी करना है कि मुझे 1 मिलियन क्वांटिटी करना है. ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आप पर्सन को दे दीजिए एंड आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन द क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग विल इम्प्रूव. प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिस्टम में उतने ही रहेंगे, बट एटलीस्ट क्वालिटी, द जनरल क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील के फुटबॉल टीम में 11 लोग ही आएंगे. ठीक है, बट द क्वालिटी ऑफ एवरेज ब्राजीलियन फुटबॉलर माइट बी सुपीरियर देन द क्वालिटी ऑफ एन एवरेज इंडियन फुटबॉलर. And this translates into producing exceptional best 11. ठीक है, this is what we want. We want that it should be accessible to all, so that the average quality is so high that it translates to successful trading in the future. बट अभी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, एक ऑप्टिमल रिटर्न जो एक एफएनओ इन्वेस्टर शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम फर्म्स लाइक योर्स? व्हाट इज द रिटर्न दे कैन एक्सपेक्ट ओवर मिड टर्म?
लाइक से नेक्स्ट 5 6 ईयर्स? सी क्या है ना नीरज, अभी फॉर एग्जांपल सपोज करो आप 1 लाख रुपए मार्केट में डालते हो, ठीक है, और आपको 1 लाख रुपए पे 1 लाख मिल जाता है. यू डू डीप स्टडी एंड ऑल, आप रिसर्च कर रहे हो, प्राइस एक्शन फंडामेंटल्स आपने सब रिसर्च किया है, आपने 1 लाख रुपए डाले और अगले साल आपको 1 लाख रुपए मिल गए. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस गुड और बैड? आप मुझे आंसर दीजिए, इज दिस गुड और बैड? इन आपने एक एब्सोल्यूट लाख टर्म्स रुपए इट इज डाले, गुड, इट राइट? इज गुड, है ना, इट इज इट गुड, इज गुड बट मैं आपको, हाँ बट करेंटली, मैं, हाँ आपने बोला 1 लाख डाले, 1 लाख मिले, इट इज गुड, बट मैं आपको बोलूंगा इट इज हॉरेबल, इट इज एब्सोल्युटली हॉरेबल. क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम रिसर्च करके क्रिएट कर दिया जिस जो एक फेवरेबल मार्केट सर्कमस्टांस में आपको 100% मूव देने को तैयार था, और वो फेवरेबल मार्केट सर्कमस्टांस भी आया, और आपने सिर्फ 1 लाख ही डाले, दैट्स हॉरेबल. ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू पुट 1 लाख ओनली? द रीजन इज दैट यू डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम. यू थॉट दैट द सिस्टम का कॉन्फिडेंस मेजर इज 1 लाख ओनली, वर्थ 1 लाख ओनली, सो यू डिडंट पुट मोर देन 1 लाख, एंड देन यू गॉट द रिजल्ट. एंड नाउ मेरा पॉइंट क्या है कि जहां पे आप रिटर्न्स बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल भी तो आप डिसाइड करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद 1 लाख इन 2015, 2016 आई एम एट 1 लाख, सो इन 2016 15 से 16 आई एम एट 0%, 1 लाख ओनली. 2016 से लेके 17 तक आई हैव हिट अराउंड 3.5 लाख, आई हैव गोन 250%, सो हाउ मच कैपिटल डिड आई ऐड? नथिंग. मैं वो 3.5 लाख से ही ट्रेड कर रहा था, क्यों नहीं अपना घर बेच के ट्रेड किया? कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं था. सो द होल पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये बेसिकली सिस्टम कौन सेट करता है? पहले तो सिस्टम कौन सेट करता है? सिस्टम वो सेट करता है जो मार्केट में लॉस खाता है, ठीक है. अगर आपने इंफोसिस लिया वो बढ़ गया, रिलायंस लिया वो बढ़ गया, टीसीएस लिया वो बढ़ गया, तो व्हाई विल यू सेट अप अ सिस्टम? योर सिस्टम इज सिंपल, आई बाय एंड आई मेक मनी, ठीक है. इट इज ओनली व्हेन यू गो यू फील आई एम कन्विंस्ड कि यहाँ से रिलायंस बढ़ेगा और वो नहीं बढ़ता है, फिर उसके बाद यू आर कन्विंस्ड कि यहाँ से भारतीय एयरटेल बढ़ेगा और वो फिर भी नहीं बढ़ता है, देन द पर्सन स्टार्ट थिंकिंग ओ गॉड आई हैव टू फैक्टर इन फेलियर, एंड दिस फैक्टरिंग ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज अ सिस्टम, ठीक है. अब ये बंदा जो है ये आपका एक सिस्टम बना रहा है मार्केट में, अब ये सिस्टम कितना अच्छा है ये हमें कैसे पता चलेगा? वी विल अंडरस्टैंड कि ट्रेडर ने अपना खुद का पैसा कितना लगाया इस सिस्टम में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि एक चाय का एक टी शॉप ओनर है, और टी शॉप ओनर इज अर्निंग अ मार्जिन ऑफ 50%, ठीक है, दैट विच मीन्स इफ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ से 30 लाख रुपीज, यू एंड यू आर गेटिंग अ बिजनेस ऑफ 50% मार्जिन, यू विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन टी स्टॉल. बट वॉट इफ यू हैव 10,000 करोड़? कैन यू सेटअप टी स्टॉल नाउ विद द 50%? यू कांट डू इट. यू हैव टू सेटअप अ 7-स्टार होटल नाउ, इवन दो दैट इंडस्ट्री मार्जिन माइट बी एट 14%, बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एलोकेट 10,000 करोड़. सो सिमिलरली ट्रेडिंग इज नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज रिटर्न, ट्रेडिंग इज एड्रेसिंग द परसेंट प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. एंड हाउ विल यू एलोकेट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल? ओनली इफ यू हैव कॉन्फिडेंस. एंड हाउ विल यू हैव कॉन्फिडेंस? ओनली इफ यू हैव सिस्टम्स विच गवर्न योर बिहेवियर, एंड योर बिहेवियर एंड योर सिस्टम्स हैव बीन ट्राइड फॉर मल्टीपल मार्केट साइकिल्स. द मोर द साइकिल्स द एक्सपीरियंस, द मोर कॉन्फिडेंस यू ग्रो, एंड द ग्रेटर द कॉन्फिडेंस यू गेन, द मोर कैपिटल यू आर विलिंग टू बैक ऑन दैट सिस्टम, ठीक है. सो देयर फोर इफ अ सिस्टम मेक्स 100% रिटर्न्स, इट इज इनसिग्निफिकेंट. उस सिस्टम के क्रिएटर ने कितना पैसा डाल रखा है, दैट इज सिग्निफिकेंट. एंड फिर उसके बाद ऑफकोर्स अगर वो एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, तो उसने इस साल 100 दे दिया, अगले साल 30 दे दिया, उसके बाद -20 ले लिया, उसके बाद 350 दे दिया, दिस तो टाइम विल टेल, ठीक है. सो हमें हमारा बिफोर द रिजल्ट हमें कितना कॉन्फिडेंस है हमारे सिस्टम, दैट डिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर वॉरेन बुफे आज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इन द वर्ल्ड है विदाउट डाउट, तो व्हेन ही ग्रू 20% CAGR, व्हाट ग्रू 20% CAGR अबाउट हिम? डू यू थिंक हिज नेट इनकम ग्रू और हिज नेट वर्थ ग्रू? ठीक है, हमें नेट वर्थ ग्रो करवाना है, नॉट नेट इनकम. नेट इनकम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 4 to 6% ऑफ योर नेटवर्थ, इवन इफ इट इज नॉट, इट विल इवेंचुअली एडजस्ट टू दैट, ठीक है. नेट इनकम नहीं बढ़ाना है हमें, हमें नेट वर्थ बढ़ाना है. नेट वर्थ बढ़ाने के लिए हमें स्टेप्स लेने हैं, और वो स्टेप क्या है? जब अगर आपके पास कभी गलती से करोड़ रुपए आ जाए, बोले मैं शुड आई बाय 2 BHK फ्लैट और शुड आई गो इन द मार्केट,
दैट डिसीजन कैन ओनली कम व्हेन यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नेट वर्थ. ठीक है, कि मैं वन अगर फ्लैट में लेता हूँ तो मुझे साल का 2.5 लाख रुपए रेंट आता है. कैन आई बीट 2.5 लाख रुपए इन द मार्केट? इफ दिस बिकम्स योर क्वेश्चन, ठीक है, सो इफ हाउसिंग प्रॉपर्टीज आर गिविंग 2.5% रिटर्न, ठीक है, इफ गोल्ड बॉन्ड इज गिविंग 2.5% रिटर्न, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर गिविंग 4 to 5% रिटर्न, फिक्स डिपॉजिट्स आर गिविंग 7% रिटर्न, सो वाई शुड वी थिंक दैट ट्रेडिंग शुड गिव अस 50% रिटर्न? The only reason why you would say that is because you are anticipating ki some year will come where we are losing 60%. But I'm saying, why will you lose 60%, bhai? We will keep it to 20%, 15%. Theek hai. So once again, to answer Neeraj's question, percentage growth to aap bhul jao. Sawal ye hai ki agar aapke paas 50 crore hai, 25 crore hai, 10 crore hai, aap kahan ja rahe ho? Theek hai. Aapko MRF ka distribution lena hai ki tire stocks mein gradually invest karna hai? इट्स योर, अगर आपको मेहनत करना है तो आप बिजनेस सेटअप कीजिए उतने पैसों का. अगर मेहनत नहीं करना है और एनालिसिस में मेहनत करना है, माइंड में मेहनत करना है, नॉट ग्राउंड वर्क, देन यू हैव नो चॉइस बट टू कम इन द मार्केट. नाउ ओनली क्वेश्चन इज योर सिस्टम गुड इनफ कि आई कैन पुट 5 करोड़, कि आई कैन पुट 10, इज इट गुड इनफ? ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि मेरा सिस्टम इज गुड इनफ. ठीक है, यू कैन ट्राई टू पुट इट इन सम अदर सिस्टम, then you will see, you know, so this is the difference here. So I don't want to get on ki percentage gains kya hone chahiye and all of that. Yeah, hum log leverage pe hain, theek hai. No, people like last year I booked about 1.25 crore profit and some 22 year old guy told me but just that's it, he said. ठीक है, मैं बोला 1.25 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने का मतलब होता है कि किसी का 50 करोड़ का घर रेंट पे था, किसी का 25 करोड़ का ऑफिस रेंट पे था, किसी ने 15 करोड़ रुपए FD में लगाए होंगे, तब जाके उसको 1.25 करोड़ आया होगा. ठीक है, यहाँ पे मतलब यू आर अचीविंग दैट विद विद अ फ्रैक्शन ऑफ दैट मनी एंड देयर इज अ पर्सन लाइक दैट्स इट, मतलब एक्सपेक्टेशन उसके कहाँ है? ठीक है, सो आई से डोंट फोकस ऑन परसेंटेज गेन्स, जस्ट फोकस ऑन एब्सोल्यूट गेन्स. ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हैं पोजिशनल, तो आपको एक 25-30 लाख रुपए का रिस्क लेना ही है. वो डोंट थिंक कि आई विल कम हियर विद जस्ट 30,000 रुपीज रिस्क, वो तो आपका पहले ट्रेड में बच जाएगा. अगर आपका लक खराब रहा तो लॉजिकली आपको पहले ट्रेड में 1 लाख भी आ जाएगा एंड यू विल बी थिंकिंग वाओ आई एम सो अमेजिंग, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आपको 25-30-40 लाख का एक रिस्क बफर लेके आना पड़ेगा इफ यू कमिंग इन टू पोजिशनल फ्यूचर्स. नो, सवाल ये कि आपको कितना परसेंटेज ड्रॉडाउन देखना है. अगर आप बोलो कि मुझे सिर्फ 10% ही ड्रॉडाउन देखना है, तो आप 5 करोड़ डाल दीजिए अकाउंट में या 3 करोड़ डाल दीजिए अकाउंट में, आपका रिस्क तो उतना ही रहेगा 40-50 लाख. बट ये है कि आपको ड्रॉडाउन मतलब 10% दिखेगा अकाउंट का. इन अदर वर्ड्स वी एंड अगर आपका अगर आपने अकाउंट का में 10% ड्रॉडाउन देखना है, तो 3:1 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 30% शुड बी योर एक्सपेक्टेड होपफुल गेनफुल टारगेट. ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 5% ही ड्रॉडाउन देखना है और मुझे 25 लाख का रिस्क लेना है, तो 5 करोड़ लगाइए. This kind of customization is possible from trading. ठीक है, आप बताइए कि आप रिस्क कितना करना चाहते हैं एंड डोंट वरी अबाउट परसेंटेज गेन, क्योंकि आपने 1 साल भी छापा ट्रेडिंग में, आप मुझे कोई भी इंडस्ट्री वर्ल्ड में ले आना. ठीक है, एक सिंगल ट्रेडर कैन अर्न मोर मनी देन अ स्मॉल कंपनी ऑफ 100 एम्प्लॉइज, ये मैं आपको बोल रहा हूँ. ठीक है, तो आपको वो सेट करना, वो सेट एंड आई सी इट विद पैरेलल बिजनेसेस आल्सो. ठीक है, नेट गेन्स विल बी इक्वल टू अ मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज का गेन्स. ठीक है, विदाउट द हैसल ऑफ पीएफ, एम्प्लॉय पीपीएफ, ऑफ शॉप एक्ट, ऑफ ऑल दैट स्टेप्स जो आते हैं. 20 के ऊपर एम्प्लॉयज अगर आप रख लो तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट, लेबर लॉज आ जाते हैं यहाँ पे, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, सो ये सब वर्क को बाइफोकेट करके आप एक रिलायबल पार्टनरशिप बना रहे हैं, आप एक रेडीमेड प्रोसेस में घुस रहे हैं. नाउ द सवाल ये आ गया, आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, नॉट दैट कि गेन कितना होगा. ठीक है, हमने लॉन्ग ले लिया मार्केट में, मार्केट बढ़ेगा गेन तो होगा ही ना. सो व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स? आई फील कि एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, इफ यू आर एम्बिशियस, यू विल ट्राई टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अगर जिम साइमंस का 65% CAGR करियर ग्रोथ रेट रहा है, तो यू विल ट्राई टू बीट दैट. वेदर यू बीट दैट और नॉट, इट इज बिसाइड्स द पॉइंट. ठीक है, तो आप मेरे से पूछोगे कि वाई आर यू इन दिस, वाई आर यू नॉट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी इन टू रोनेसंस हेज फंड ऑफ जिम साइमंस, बिकॉज आई बिलीव
देर इज अ गट शॉट कि आई विल बी एबल टू आउट परफॉर्म हिम, प्लस आई एम नॉट अलाउड टू गो इन टू दैट मार्केट, सो आई हैव नो ऑप्शंस. ठीक है, तो वॉट इज योर अदर ऑप्शन? योर अदर ऑप्शन आर मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, यू हैव सो मेनी एडलवाइस एंड ऑल दीज फंड हाउसेस, दीज आर योर अदर ऑप्शन. आस्क देम क्या परसेंटेज रिटर्न आएगा. ट्रेडर से पूछ रहे हो क्या परसेंटेज रिटर्न आएगा, उनका जो भी रिटर्न आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 4 से, क्योंकि हम लेवरेज होंगे उतना. एंड सिमिलरली उनका जितना भी डिक्लाइन होगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 से, बिकॉज एक ट्रेडर 3:1 रखेगा. सो वेन दे लूज 20% वी विल लूज 30, बट वेन दे मेक 20 ना वी विल मेक 75-80. मैं जैसे नाउ दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड आपने बुक भी लॉन्च की रिसेंटली, आई मीन नहीं सॉरी, नहीं यू बीन प्रॉफिटेबल फॉर ओवर 10 ईयर्स नाउ, नहीं एंड एक पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि बंदा बहुत टैलेंटेड है या गिफ्टेड है. सो माय क्वेश्चन हियर इज, हाउ मच ऑफ इट इज टैलेंट एंड हाउ मच ऑफ इट इज स्किल, एंड आई मीन डिसिप्लिन, पेशेंस, लविंग योर प्रोसेस, एम्ब्रेसिंग योर प्रोसेस, स्टिकिंग टू इट. हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट, टैलेंट वर्सेस डिसिप्लिन एंड प्रोसेस? 2019-20 में व्हेन आई सेट अप माय फर्म आई फेल्ट इट इज प्योर टैलेंट. ठीक है, एंड अगर आप मेरे कंपनी का टैगलाइन भी देखेंगे, आर्थिक गाम या प्योर स्किल, सो प्योर फुल स्टॉप स्किल. सो बेसिकली प्योर वॉज सिम्बॉलिक ऑफ ऑनेस्टी, कि झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब दूसरे छोड़ो अपने आप से भी नहीं बोलेंगे. ठीक है, एंड स्किल मीन्स कि जो हम रैशनलाइज कर रहे हैं वी हैव द केपेबिलिटी ऑफ मेकिंग मैथमेटिकल मॉडल्स टू कैप्चर इट. जो मैं सोच रहा हूँ उसका मॉडल बनेगा और वो मॉडल डिप्लॉय होगा. ठीक है, एंड मुझे हमेशा से लगता था कि इट इज बिकॉज ऑफ हु आई एम. ठीक है, बट सच हैव बीन लाइफ सर्कमस्टांसेस कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इट इज हैड टू बी गॉड्स ग्रेस, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड देन योर एफर्ट्स. ये कहीं इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स ओनली. ठीक है, व्हेन माय पोर्टफोलियो स्वंग फ्रॉम +25 लाख टू -15 लाख टू +50 लाख. ठीक है, तो सो व्हाट माय डैड सेड एट दैट टाइम वाज कि पीपल विल सी +50, बट हाउ मेनी कुड हैव सीन दैट. ठीक है, और जिस दिन वो पोर्टफोलियो +25 से -15 से -1 पे जाके क्लोज हुआ था, तो पेरेंट्स का कॉल आ गया था, मतलब दे वो अपने घर पे, मैं इस समय जम्मू में हूँ, तो उनका कॉल आ, आई ओके okay? ठीक है, जस्ट आई ओके, मतलब जस्ट टू आस्क, ठीक तो मतलब रिजल्ट ऐसा आया तो तुम ठीक तो हो. ठीक है, एंड व्हाट वाज आई डूइंग दैट डे, आई वाज आफ्टर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड इन द मार्केट आई वाज वर्किंग. ठीक है, कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुमारो. ऑल राइट, एंड देन व्हेन द मार्केट रिकवर्ड, ठीक है, इट रिकवर्ड ऑन द फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे इट रिकवर्ड, देन अगेन पेरेंट्स कॉल्ड एंड सेड कि दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज द डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड, नॉट दैट देयर इज 50 लाख. ठीक है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू हैव रैशनलाइज्ड योर ओन बिहेवियर टू योर सेल्फ इन सच एन एक्सटेंट कि यू आर विलिंग टू गिव अवे ऑल ऑफ योर गेन्स सिंपली टू अपहोल्ड अ वैल्यू विच सेज दैट आई विल नॉट एग्जिट बिफोर अ सर्टेन पॉइंट. सो ये सिस्टम में लाना, इसमें लक चाहिए होता है कि यू नो व्हेन यू आर हैंडेड ओवर योर बिगेस्ट लॉस उससे पहले यू हैव सीन सिग्निफिकेंट गेन्स. ठीक है, मेरे केस में आई स्टार्टेड ऑफ विद अ लॉस, देन आई सॉ गेन्स, देन आई सॉ लॉस, देन अगेन आई सॉ, सो मेरा साइकिल ही उल्टा स्टार्ट हुआ. आई नेवर सॉ गेन्स टू बिगिन विद, एंड देन फ्रॉम 2016 से लेके 2021 तक आई नेवर एक्सपीरियंस्ड अ लॉस. लाइक माई 1 लाख रुपी अकाउंट वेंट स्ट्रेट टू 1.25 करोड़ रुपी विद जीरो इंक्लूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम माई साइड विद इन 6 ईयर्स और 7 ईयर्स, वट एवर इज द टाइम फ्रेम. ठीक है, कंफर्टेबली ओवर 120-130% CAGR इज वट आई वॉज गोइंग टिल आई एक्सपीरियंस माई लॉस जस्ट बिफोर दी रशिया यूक्रेन क्राइसिस, एंड दैट इज वेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग की दैट द वे मार्केट
expands the way it behaves. It is so tricky. Basically, it is tricky not in that, you know, ki you can't anticipate something. What happens is just prior to that, just prior to the collapse, a lot of people invest a lot of money in the market because the confidence is very high. जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था ना शुरू में कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है सिस्टम में पैसा, वो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है समहाउ जस्ट बिफोर दैट कोलैप्स इज गोना हैपन. ठीक है, तो वो 10% का फॉल भी बहुत ज्यादा लगता है उस टाइम पे. सो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट समहाउ आई हैव गॉट अवे फ्रॉम दैट. यानी कि जब मैंने फाइनली पैसा ऐड किया था दैट वॉज एट द रॉक बॉटम ऑफ 2023 एंड दैट हैज बीन अ ह्यूज. सो दिस इज बेसिकली आई वुड से लक लिटिल बिट कि यू फील you go wrong, you pay the consequence, but then when you feel again, you, even despite having failed in the past, yani ki 2023 mein, when I felt the market had bottomed enough, I'll add 1 crore, 2023 se 3 mahine pehle also I was feeling that the market is bottoming now, but I had somehow not added the 1 crore, theek hai, later when I added, it just turned, now this is luck, theek hai, there is actual theory, like Coppock curves, which will say that 14 months is what it takes for the market or for the humans to recover from an emotional setback. So literally 14 months after the Russian-Ukraine collapse, did the market actually start recovering? Okay. Was I aware of the theory before I did it? 110%. I knew of that theory. Okay. But it is not every day that you experience the market in a fall for 14, 15 months. And I was looking at that fall for 14, 15 months. I'm seeing a consolidation happening on weekly charts. I'm seeing zigzag on the daily charts and it is shifting me from the daily to the weekly chart. So all these factors add up into taking that decision. So to answer, it is definitely work. मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम तो for sure हो रहा है, ठीक है. But I cannot discount how much of element of luck is also there in it. But it is possible. What I want to tell the viewers is I don't know. How much money you are, let alone how much money you are going to make. I don't know how much money I am going to make. Okay. So that is all unknown. But I certainly know that both you and I can become better at trading, become better traders from where we are today. We can become better at the craft. Okay. And that will improve only your quality of life. If you know how to manage risk at a 10 lakh rupee, 50 lakh rupee level, you will learn how to manage risk when it becomes multiple accounts and multiple crores at a later date. Okay. But this is the message that I would like to give. So Sahil ji, जैसे आपने बताया कि आपकी जो फॉर्म है आई थिंक हमें फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें जो आपने सिस्टम्स डिजाइन किए हैं दे हैव सच अ स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन प्लेस that it can handle any chunk of money at any point of time, right? So my question here is, for a family office there or a big investor or a large corporate house who wants to invest in market, usko SIPs mein ek bada chunk invest karne se behtar क्या प्रोडक्ट है जो आपकी फर्म दे सकती है? आई मीन हाउ इज योर प्रोडक्ट बेटर सूटेड फॉर हिम रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म SIP इन डायरेक्ट इक्विटीज? हाँ, तो पहले तो SIP अगर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स करते हैं तो उसमें तो मैं बोल दूंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम जो करते हैं, फॉर एग्जांपल जो यश करता होगा, ठीक है, उनके लिए लिटरली हमारे फर्म के पास कुछ भी नहीं होगा ज्यादा करने के लिए, बिकॉज वी हम लोग भी डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे होंगे और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको एक मिनिमम कैपिटल चाहिए होगा. तो अगर कोई 10,000 रुपये का SIP कर रहा है या 15,000 रुपये का SIP कर रहा है, वो कैपिटल सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा कई सालों कई दशकों तक टू बी एबल टू डिप्लॉय रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म्स देयर. और दूसरा जो अभी फैमिली ऑफिस है, अगर फैमिली ऑफिस के पास आई डोंट नो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या ऐसा इक्विवेलेंट कैपिटल है जो वो डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उनको पहले ये ईयर मार्क करना पड़ेगा कि उसमें से कितना कैपिटल स्पेक्यूलेटिव ग्रोथ के लिए है एंड कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है. ठीक है, अभी जो कैपिटल स्पेक्यूलेटिव ग्रोथ के लिए है वही आ सकता है FNO ट्रेडिंग के लिए.
ठीक है, कि स्पेक्युलेटिव ग्रोथ हो गया कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने 500 रुपये का पोजीशन उठा लिया, मार्केट ने 20% चेंज कर दिया प्राइस, तो या तो अकाउंट जीरो या डबल। ठीक है, तो वो कैपिटल एवरी 10-20% लेवरेज के कारण या 25% लेवरेज के कारण डबल हो रहा है। ठीक है, एंड हमने बेट ये लगा लिया कि एट इन एनी गिवन ईयर मार्केट 20 से 25% अपने हाई टू लो का स्विंग दे देगा। ठीक है, तो ये हमने बेट लगा दिया हाई टू लो का स्विंग, यानी कि वो बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। ठीक है, सो जब ये कैपिटल ईयर मार्क हो जाएगा स्पेकुलेशन के लिए, फिर देन यस दे कैन कम इन टू द मार्केट। एंड क्योंकि ट्रेडिंग ऑलवेज हैपेंस बेस्ड ऑन कि करेंटली मार्केट का क्या सिचुएशन है। सो करेंटली मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको तो बाय द पुल बैक करना है, इसमें एंड ऑफ डिस्कशन है। अभी पुल बैक 50 आवर मूविंग एवरेज पे करना है, कि 50 डे मूविंग एवरेज पे करना है, कि 200 डे मूविंग एवरेज पे करना है, दिस इज द सिस्टम। और अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज पे कर रहा है, तो वो कहाँ एग्जिट करेगा, कितना क्वांटिटी लेगा, कहाँ पे पिरामिड करेगा, कहाँ री एंटर करेगा, कहाँ टारगेट लेगा, और अगर उसका टारगेट लगता है तो क्या उसके बाद भी री एंट्री करेगा, अगर SL लगने के बाद वो जंप करता है क्या वो वापस री एंटर करेगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली एक सिस्टम है। तो दिस सिस्टम जो बेसिकली, जैसे जब मैं 2015 16 17 में 1 से 10 लाख रुपए के ट्रेडिंग कैपिटल के बीच में ट्रेड करता था, तब मैं एक ट्रेड को माइक्रो मैनेज करता था। वो इसलिए क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे अकाउंट में, इट वॉज इम्पैक्टिंग माई एबिलिटी टू टेक अनदर ट्रेड। पर जब आपके पास कैपिटल ज्यादा हो जाता है, तो आप एक ट्रेड को ना माइक्रो मैनेज करके आप सिस्टम को मैनेज करते हैं, तो आप पूरे के पूरे सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं, और सिस्टम का जब रिजल्ट आता है, तो उसके बाद डिसाइड करते हैं इसको कंटिन्यू करना है या इसमें चेंजेस लाने। एंड सिस्टम में चेंजेस लाना पड़ता है बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट इज डूइंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा निफ्टी ने जब 4 जून को जब रिजल्ट आया, तो इट इट कोलैप्स 2000 पॉइंट्स, तो उसने 50 डे मूविंग एवरेज की धज्जियां उड़ा दी उस दिन। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि अगर इस मार्केट में पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है, तो 200 डे मूविंग एवरेज SL इज बेटर, एंड देयरफॉर 50 डे मूविंग एवरेज एंट्री बिकम्स बेटर। ठीक है, वेयर एज आप 4 जून से पहले का रिजल्ट देखते, तो मार्केट वॉज नॉट ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज, विच मीन्स प्रायर टू 4 जून, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, इट वॉज बेटर टू बाय ऑन द 20 डे मूविंग एवरेज विद एन SL बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, एंड दिस इज वॉट आई मेंट बाय चेंज इन डिसीजन। चेंज इन डिसीजन वॉज कि क्योंकि एक इवेंट आने वाला है, क्या जो नीचे का डाउन साइड है वो रिस्पेक्ट करने वाला है या नहीं करने वाला। बट वो इतना नीचे चला जाएगा कि वो 20-50 के बीच में चलने वाला स्टॉक अभी 200-250 को भी ब्रीच कर देगा, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगे थे। ठीक है, एंड मुझे ये भी लगा था कि अगर मार्केट टेम्परेली ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो वो इमिडिएटली बॉट होगा। मुझे लगा नहीं था, मतलब दैट्स लार्जली बिकॉज अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में है, तो सारे स्टॉक्स आपको अप ट्रेंड में दिख रहे हैं, तो हर स्टॉक पे प्लान तो बाय द डिप है। जिस स्टॉक में प्लान बाय द डिप नहीं है, तो उस स्टॉक को तो आप वॉचलिस्ट से बाहर कर देंगे। वाई विल यू, इफ द मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, वाई विल यू कीप अ शॉर्ट स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर। तो जो शॉर्ट होंगे वो बाहर होंगे, जो लॉन्ग होंगे उनको बाय द डिप करना है। अभी कोई स्टॉक होगा, उसका 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये डिप होगा, मार्केट ने उस दिन जाके लगा के दे दिया, आपके तो सिस्टम्स में ऑर्डर पड़े हुए थे, तो दे ट्रेडेड। ठीक है, एंड वंस दे ट्रेडेड, यू आर नेट इवन मोर लॉन्ग इन द मार्केट, एंड देन फॉर्चुनेटली फॉर यू द मार्केट इम्प्रूव्स, एंड यू आर नाउ फॉर द सेम लेवल ऑफ द मार्केट पेड मे बी डबल मोर। ठीक है, सो दिस आई वुड फील कि इसमें मतलब जब जब पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई थी, जो नीचे का कैंडल आया था, उम्मीद या होप तो ये था कि वो ऊपर की तरफ आए, 2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो पोजीशंस क्रिएट की गई थी, एंड देवर अबाउट 20-25 पोजीशंस जो क्रिएट की गई थी। जब मार्केट नीचे आया, वो 25 से बढ़ के 33 हो गया। ठीक है, एंड नाउ दे आर होपिंग दैट द मार्केट विल टेस्ट द प्रीवियस हाई, विच इट डिड। ठीक है, बट एवरी वन इज क्रिएटिंग लॉन्ग विद दी होप दैट द मार्केट विल डू समथिंग क्रेजी ऑन द लॉन्ग साइड, बट एवरी वन हु हैज क्रिएटेड लॉन्ग इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉट हैपन्स इफ दैट डजेंट हैपन। तो ये आपका सिस्टम हो गया, और टिपिकली एक क्वार्टर या 6 महीने पहले आप क्लियर हो जाते हैं कि मैं ये डिप्लॉय करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिटरली मैंने कल रात को
मतलब कल रात को नहीं, आई मीन्स कल सुबह 10-11 बजे से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट रात के 1-2 बजे तक बैठ के मैं यही प्लान करता रहा कि करना क्या है आगे। ठीक है, ये तो क्रिएट हो गया जो हो गया, नाउ दिस इज क्रिएटेड, नाउ हियर आई नो आई एम एग्जिटिंग देम हियर, नाउ या तो दे विल हिट दी SL या फिर उनका टाइम खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा। जून के जो कॉन्ट्रैक्ट जाने होंगे वो 27 तारीख को चले जाएंगे, जुलाई के थोड़े से बिल्ड हैं, अगस्त के थोड़े से बिल्ड हैं। अभी उसके आगे क्या करना है, अगस्त में और कितने बिल्ड करना है, अगस्त में कौन से लेने हैं, ठीक है लेने हैं या छोड़ देना, शुड बी जस्ट क्विट, बस इज डन, साल का हो गया अर्निंग, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आर कमिंग इन द टेक्निकल फ्रेमवर्क, ठीक है, वेयर आई एम आस्किंग कि ओके आई मेड सम मनी, शुड आई जस्ट टेक अ ब्रेक, देन द क्वेश्चन इज व्हाई हाउ, ठीक है, इट्स अ क्लियरली ट्रेंडिंग मार्केट, यू हैव टू बाय द डिप, बट आपको आप नर्वस हैं बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन गेन्स एंड द मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई एंड एंड यू आर सीइंग हिजबुल्ला अटैक इजराइल, सो विच मीन्स इजराइल ईरान कैन इंक्रीज, ठीक है, यू आर सीइंग रशिया सेंडिंग इट्स न्यूक्लियर सबमरीन टू क्यूबा, नॉट अ जोक, रशिया सेंडिंग न्यूक्लियर सबमरीन टू क्यूबा, व्हेन इज दैट लास्ट टाइम दैट हैपेंड, ठीक है। G7 डिसाइडिंग दैट $500 बिलियन ऑफ रशियन रशियन वेल्थ विच इज कॉन्फिस्केटेड बाय देम, उसका इंटरेस्ट जो $50 बिलियन अक्रू हुआ है वो यूक्रेन को देना है, कैन यू इमेजिन दैट, ठीक है, लाइक कैन यू इमेजिन कि यू मेक मनी, यू बाय अ हाउस इन लंदन, ठीक है, यू रेंट आउट दैट हाउस इन लंदन, इंडिया डिसाइड्स टू डिक्लेयर अ वॉर ऑन पाकिस्तान एंड द यूके गवर्नमेंट सीजेज योर प्रॉपर्टी, कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एक्शन इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम, जहां पे एक कंट्री के कॉन्सिक्वेंसेज आर बीइंग लेवल्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, ये सैंक्शंस मतलब सैंक्शंस आर हैपनिंग टू पीपल, ठीक है। मोदी गोज टू G7, हैज अ मीटिंग विद बाइडन, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस आफ्टर दैट, द यूएस कांग्रेस विद एन ओवरवेलमिंग पासेस अ बिल सेइंग दैट द चाइना तिब्बत डिस्प्यूट शुड रिजॉल्व, डू यू नो व्हाट अ बिग स्टेटमेंट दैट इज, चाइना तिब्बत डिस्प्यूट शुड रिजॉल्व मीन्स वन चाइना पॉलिसी को माना ही नहीं ना, ठीक है, सो इट इज लाइक सेइंग चाइना को ये बोल रहे हैं, मतलब व्हेन मोदी विजिट्स यूएस प्रेसिडेंट एंड देन द यूएस प्रेसिडेंट एंड दैट फेलो हैव अ डिस्कशन एंड विद इन 2 डेज ऑफ द मीटिंग अ बिल इज पास्ड ऑफ इन द यूएस कांग्रेस, उनका कांग्रेस है, मतलब दे डोंट हैव लाइक लोकसभा राज्यसभा इज कॉल्ड कांग्रेस आउट देयर, नॉट अ पार्टी, देयर पार्टीज आर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स जनरली, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स बोथ एग्री कि ये चाइना और टिबेट का डिस्प्यूट रिजोल्व करना चाहिए, एंड देन उसके बाद एग्री हो गया वो एक अलग बात, इट इज गॉन नाउ टू प्रेसिडेंट बाइडेन ओनली फॉर अ फाइनल सिग्नेचर, दे हैव कम अप विद अ डेट कि इस डेट को यूएस का टॉप डेलीगेशन लाइक आवर कंट्री का जयशंकर रैंक्स विल कम एंड विजिट द दलाई लामा इन धर्मशाला, नॉट कॉलिंग दलाई लामा टू द यूएस, नॉट मीटिंग देम इन UAE, मीटिंग देम इन धर्मशाला वेयर दे आर स्टेइंग एज गेस्ट और सिटीजन, आई डोंट नो वट इज द स्टेटस बट दे आर स्टेइंग देयर, ठीक है, इस दे आर बेसिकली मेकिंग अ स्टेटमेंट, ताइवान छोड़ो तुम कहीं तिब्बत ना गवा दो, दिस इज दीज आर वेरी अनप्रेसिडेंटेड ह्यूज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। गोल्ड हो गया, जैसे गोल्ड 2008 के क्राइसिस पे और 2011 के ग्रीक क्राइसिस में BIS में ये बेसिकली जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक होता है, तो रिजर्व बैंक का जो रिजर्व बैंक है बाजल में, दे आर रेटिंग गोल्ड एज अ Tier 3 एसेट क्लास, विच मीन्स कि अगर आपने ₹100 का गोल्ड बैंक में दे दिया तो बैंक आपको ₹50 देगा फॉर मॉर्गेज, ठीक है। आफ्टर दिस क्राइसिस, ये सब प्राइम क्राइसिस एंड ये ग्रीक क्राइसिस, इट इज बिकम अ Tier 1 एसेट क्लास, विच मीन्स ₹100 यू गिव गोल्ड, ₹100 यू टेक फ्रॉम द बैंक, ठीक है। दे शिफ्टेड, मतलब रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक हैज रेज्ड गोल्ड एज एन एसेट क्लास इन 2011-12, सो इट्स लॉजिकल नाउ वी आर सीइंग अ बुलिश ट्रेंड आफ्टर 2013 बेसिकली, विच किक्ड इन आफ्टर 2016, पैरेलल डिस्कशंस ऑफ हैविंग सऊदी अरेबिया डज नॉट साइन इन 50-year US दैट पेट्रो क्रूड डील, दे आर सेइंग कि वी विल सेल क्रूड ऑयल इन एनी करेंसी नाउ, ठीक है। दीज आर ह्यूज साइजमिक चेंजेस दैट आर हैपनिंग, एंड आई एम नॉट किडिंग, योर ट्रेडिंग सिस्टम्स व्हेन यू से कि मैं उसको 200 डे मूविंग एवरेज पे एग्जिट करूंगा, इट इज फैक्टरिंग ऑल ऑफ दिस,
अभी चाहे रियल टाइम एक ट्रेडर आके इसके बारे में बात करे या ना करे, उसका मतलब ये नहीं कि हमने पोटर्स फाइव फोर्सेस नहीं सीखे होंगे, ठीक है, या ये नहीं देखा होगा। बट हम बोल रहे हैं कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज भी एक सिग्निफिकेंट इनफ वैल्यू है, अगर वहां तक एक स्टॉक आता है, देयर मींस व्हाई विल आई होल्ड समथिंग टिल देयर, ठीक है। तो दीज सब्जेक्टिव लेवल डिस्कशंस जो है, मतलब मैक्रोस के माइक्रोस के, उसको पिन पॉइंट करना, दिस इज द लेवल इन द मार्केट विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कैन बी ओनली अचीव्ड इन अप्रोक्सीमेशन इफ एट ऑल। एंड दीज अप्रोक्सीमेशन को सोफेस्टिकेटेड तरीके से टैकल करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस मैंडेटरी बन जाता है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट, मतलब जो मार्केट में एक इम्प्रेशन बना हुआ है या फिर ट्रेडर्स आर इन द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट, कि बेसिकली ट्रेडर इज अ पर्सन हु डजंट रीड द बुक्स ऑफ अ कंपनी, ट्रेडर इज अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग प्राइसिंग ऑफ द कंपनी, फेयर इनफ, बट वी नो अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक, ठीक है। एंड द ट्रेडर इज मेकिंग द अजम्पशन दैट ओनली इफ द मैनेजमेंट इज गुड, द बिजनेस इज गुड, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज गुड, द प्रोडक्ट इज गुड, कैन अ स्टॉक बी इन अ 10 ईयर अप ट्रेंड? हाउ कैन यू फ्लूक अ 10 ईयर अप ट्रेंड, ठीक है। तो दिस इज, एंड अगर वो स्टॉक, एंड इफ द ट्रेडर इज रॉन्ग, एंड इफ द स्टॉक हैज टू बिकम लाइक अ येस बैंक विद इन 15 डेज, इट विल गिव अवे ऑल ऑफ दैट विद इन 15 डेज, ठीक है। तो यू हैव टू एंटिसिपेट कि अगर आप गलत हैं तो 10 दिन में ये रिजॉल्व होने वाला इशू, आपका 400 रुपए का स्टॉक 40 रुपए आने वाला है 10 दिनों में। यू हैव टू नो दिस इवन बिफोर, आपने स्टॉक का पोजीशन क्रिएट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ इसमें से निकलने वाला हूँ, ठीक है। और ये कहाँ का आंसर पिन पॉइंट प्राइस पे करना इस टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, जहां पे आप प्राइस स्टडी करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक बैंक में एनपीए है फलाना परसेंट, तो वो पहले भी होगा, ठीक है। एंड आप जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे, दे वुड हैव फैक्टर्ड ऑल ऑफ दैट व्हेन एवर द आरबीआई इज मेकिंग अ स्पीच। नाउ इफ यू ओपन द चार्ट एंड ओपन इट फॉर से 500 डेज, एंड यू शो मी कि हाँ, मतलब विदाउट नोइंग द डेट्स, आप मुझे डेट देख के बता दो हाँ कि ये दिन पे ये कैंडल बना था, तो यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो यू कांट डिस्टिंग्विश। क्योंकि जब आप 500-700 दिन का चार्ट का प्राइस एक्शन या आवर्स का प्राइस एक्शन इंटरनलाइज करते हो, तो उसने सर्जिकल स्ट्राइक भी फैक्टर किया है, ब्रेक्जिट भी फैक्टर किया है, ये सब फैक्टर हो चुके हैं, तो यू ऑलरेडी हैव द वर्स रेंजेस, और इन रेंजेस के हिसाब से आप काम करते हो कि पिछले 3 साल में सबसे गंदा मूव क्या था, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं कोविड का था, आई एम सेइंग कोविड नहीं था, मई महीने में 8900 से निफ्टी जब 8200 ओपन गैप डाउन हुआ था, 600-700 पॉइंट्स ऑफ एन इंडेक्स विच इज लेस देन 9000, मतलब 15% 12% गैप डाउन, दैट इन माई व्यू इज वन ऑफ द वर्स्ट ओपन इन द मार्केट। सो लॉजिकली जब मैं एक पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेरे माइंड में कौन सा दिन है, वो गैप डाउन नॉट, और अगर वो गैप डाउन नहीं हुआ और सपोज कर लो निफ्टी खुल गया फ्लैट 30 पॉइंट्स, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला उससे? मैं सारा वीकेंड यही बैठ के सोचता रहा कि वो 8900 टू 8800 8200 वाला मूव अगर मुझे दिख जाए कल, तो मैं क्या करूंगा? तो जब मार्केट खुला 40 पॉइंट नीचे, दैट इज वेरी इजी नाउ, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वाई विद मल्टीपल मल्टीपल करोड़ रुपए अकाउंट आई विल हैव टू लॉट्स, बिकॉज आई एम सीइंग दैट गैप डाउन एंड एंड डिसाइडिंग माई क्वान्टिटीज, नॉट वॉट इज हैपनिंग 1 वीक अगो। अ ट्रेडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस, आई थिंक बहुत ही कम लोग मैच कर सकते हैं उसको। इट इज नॉट दैट, जब तक आप 3 साल 2 साल एक सिक्योरिटी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, यू आर इन द टॉप 1 odd percentile ऑफ सम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एक्चुअली, बट whether or not that will necessarily contribute, make, convert into money in that period, it is not necessary. But you will continue even if you're not making money, is only if you're confident. And if you're confident only because your behavior is good. And only if you're, be and your behavior can only be good if you are working under well-defined principles. So risk is what you're managing all the times. Yeah. रिस्क इज वॉट यू आर मैनेजिंग, इट शुड बी क्लियर कि दिस इज फॉर स्पेक्यूलेटिव गेन्स, ठीक है। एंड इफ समवन इज पुटिंग 100 करोड़, दे कैन लिटरली डिसाइड कि बॉस वी आर नॉट गोइंग टू रिस्क मोर देन 10 करोड़, इन ऑर्डर टू रिस्क द 10 करोड़ यू हैव 100 करोड़ कैपिटल। नाउ व्हाट इज द ट्रेडर विल नॉट लुक ओनली एट द 100 करोड़, द ट्रेडर विल ओनली फोकस ऑन द 10 करोड़, बिकॉज लेवरेज इज इजी,
ठीक है, तो मैं हाँ 100 करोड़ जस्ट ए नंबर, तो 100 करोड़ में पहले क्या हो जाएगा, 90 करोड़ लिक्विड भी इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब राइट बचा हुआ जो पैसा है जिसको रिस्क मैनेज करना, अब उसी पे ही सारा काम हो रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आप सिर्फ ट्रेडिंग दे सकता है। राइट ठीक है, अगर आप बुलिश हो गए कल को, कोई बुलिश हो राइट गए कि SBI बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और उसने 100 करोड़ का 100 करोड़ SBI में डाल दिया, तो SBI का 2000, मतलब जो प्रीवियस पिवोटल हाइस थे वो 350 के थे, SBI राइट नाउ इज नियर 900। ठीक है, यू आर सेइंग देयर इज अ 0% चांस कि इट कैन नेवर टेस्ट अ प्रीवियस पिवोटल हाई। आई एम टेलिंग यू कि यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। SBI का 900 से 750 होना कोई बिग डील नहीं है, बट उस पे 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे, आई मीन 20% पुल बैक देखना इज वेरी वेरी पेनफुल। मतलब आपका 20 करोड़ डाउन हो आप। राइट ठीक है, नाउ यू आर बेटिंग कि SBI भी 750 या 700 से वापस 900 जाएगा, तो भी आप 20 करोड़ सिर्फ नोशनली वापस लाओगे, आपका नेट रिटर्न तो जीरो होता जा रहा है। एंड SBI 350 के 150 के रेंज में 10 साल था। अगर SBI 950 से 650 के रेंज में अगर 10 साल चला गया, तो सो यू कांट, दैट काइंड ऑफ अ बेट अक्रॉस द बोर्ड कैन ओनली बी डन इफ देर इज अ सिस्टम, एंड दैट सिस्टम हैज टू बी टेक्निकली ड्रिवन सो दैट इट इज स्केलेबल। अदरवाइज इफ इट इज नॉट स्केलेबल, देन द ओनली रीजन यू आर इन द मार्केट इज बिकॉज इट इज लिक्विड। मार्केट में लिक्विडिटी भी है और स्केलेबिलिटी भी है, कि अगर आपके पास 50 लाख है आप टी स्टॉल ओपन कीजिए, अगर आपके पास 5,000 करोड़ है आप 7-स्टार होटल कीजिए। आप दोनों बिजनेसेस एक ही जगह पे रन कर सकते हैं, ठीक है, एंड इजिली कर सकते हैं। यही मार्केट का की स्ट्रेंथ है। सो जस्ट डिफाइन द रिस्क एंड देन उसके इर्द गिर्द आप देखिए कैसे प्लानिंग होती है। कोविड के बाद से इन्वेस्टर्स का एक ऐसा परसेप्शन बन गया है, लाइक दे हैव सीन अ लॉट ऑफ इजी मनी और फास्ट मनी, वी कैन से ओवर लास्ट 3 इयर्स. एंड बट डू यू थिंक इन अनदर 3 or 4 इयर्स समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, दैट आर इकोनॉमी में बूम बट द स्टॉक प्राइजेस में नॉट रियली रिफ्लेक्ट द ग्रोथ इन इकोनॉमी? डू यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपका इकोनॉमी बूम हो जाए और मार्केट बूम ना हो। मार्केट में ये होगा, मार्केट बूम होगा, बस मार्केट का ब्रेथ बूम नहीं करेगा। विच मीन्स व्हाट विल हैपन इज दैट वेरी फ्यू स्टॉक्स आर रनिंग, एंड दीज स्टॉक्स एज दे आर रनिंग विल कीप गेटिंग मोर एंड मोर वेट इन द इंडेक्स, एंड एज दे आर गेटिंग मोर एंड मोर वेट इन द इंडेक्स विल कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस। मतलब आज की डेट में रिलायंस का वेट विल बी मच हायर देन सिप्ला, ठीक है, बट अगर सिप्ला बूम करना स्टार्ट कर दिया तो उसका मार्केट कैप भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 में उसका वेट भी चेंज हो जाएगा, एंड उसका वेट मतलब ओवरऑल फार्मा इंडेक्स का ही एक्सपोजर चेंज हो जाएगा। सो ये बहुत डिफिकल्ट है। इन जनरल GDP मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इज द रियल रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ, ये जनरली होता है। एंड जब मार्केट उससे ज्यादा हो जाता है तो लोग बोल देते हैं कि ये थोड़ा एक्सपैंड हो गया है, और जब मार्केट उससे कम हो जाता है तो लोग बोल देते हैं कि ये चीप हो गया, बट ये आपका हिस्टोरिक एवरेज रहता है। ठीक है, सो दिस इज आंसरिंग दैट। नाउ दूसरी बात ये है कि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी पोस्ट कोविड। आई डू नॉट नो एनी वन जिसका घर का एड्रेस चेंज हुआ है। ठीक है, जो पहले नौकरी कर रहा था और आज नौकरी नहीं कर रहा है, मतलब आज वो कर रहा है जो उसको करना था। मतलब अगर उसको रशिया घूमना था वो रशिया घूम रहा है, US घूमना था US घूम रहा है, वो होटल में नहीं वो पैलेसेस में रह रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा कोई भी बंदा, ठीक है, वो इसलिए नहीं है, उन्होंने पैसा कमाया है, बट उन्होंने 1-2-3 लाख रुपए पे पैसा कमाया है, 1-2-3 लाख पे उन्होंने फिर 1-2-3 लाख कमा दिए, तो आपका क्या लाइफ चेंज हो सकता है उसमें? इफ यू आर अर्निंग 8,000 रुपीज अ मंथ, लाइक आई हैड अ क्लाइंट हु टोल्ड मी कि हिज वाइफ डज नथिंग, शी जस्ट फॉलोज टिप्स एंड डज समथिंग समथिंग, एंड शी मेड 40% CAGR। आई वाज लाइक व्हेन, लाइक फ्रॉम 2021 टू नाउ 40% CAGR फॉर 3 इयर्स। आई एम लाइक आर यू सीरियस? मतलब पूरा रशिया यूक्रेन होके गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स मतलब नियर 0 से 6 आ गए US के, और मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर गया, बट यू आर सेइंग कि यू आर ग्रोइंग 40% CAGR, मतलब दैट्स जस्ट इनक्रेडिबल। इज लाइक येस कि सो आई एम लाइक ओके, तो कितना पैसा डाला? इज लाइक 4 लैक्स। आई एम लाइक 40% CAGR यू आर ग्रोइंग एंड यू आर पुटिंग 4 लैक्स एंड यू आर वर्थ आई डोंट नो मे बी 500 करोड़। ठीक है,
तो वाई आर वी इवन हैविंग दिस डिस्कशन? ये तो प्योरली एकेडमिक डिस्कशन हो गया. इट इज लाइक सेइंग कि मैं थर्ड स्टैंडर्ड के गर्ल्स स्कूल में चला गया और बैटिंग करा था और मैंने 6 छक्के कर दिए. ये बताने वाली बात है क्या कोई? इफ द स्टेक्स आर सो लो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आई मीन एवरी वन हैज मेड 40% CAGR अपेरेंटली, ठीक है, बट एवरी वन इज स्टिल वेयरिंग द सेम क्लोथ, एवरी वन इज स्टिल डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, वेयर इज द चेंज? सो आई डोंट बिलीव एनी वन हैज मेड एनी सिग्निफिकेंट मनी अदर देन दोज पीपल हु वर रूटीनली मेकिंग मनी. ओनली दे वुड हैव मेड सिग्निफिकेंट मनी. जो छोटा छोटा पैसा उन्होंने कमाया, ठीक है, इन्वेस्टर्स का साइकिल 8 साल का होता है, आप 8 साल होने दीजिए, ठीक है, नेट आप देखेंगे. इफ यू विल बी वेरी लकी इफ यू आर बीटिंग म्यूचुअल फंड, ठीक है. अभी क्या होगा, अभी कोई स्टॉक उन्होंने 50,000 का स्टॉक लिया होगा, उस पर 50,000 मिल गया, उन्होंने बुक कर लिया. बट अभी अभी कोई एक ऐसा स्टॉक होगा जिसपे उनके 60-70 हज़ार लग चुके हैं, वो नीचे चल रहा है, अब उन्होंने उसको एवरेज करना है, गिव इट टाइम. धीरे धीरे उनके 10 लाख के पोर्टफोलियो में 5-6 लाख वो लूजिंग स्टॉक पे लग जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद वो स्टॉक जब मार्केट गिरेगा, वो स्टॉक इतने सर्किट्स देगा कि देन दे विल अंडरस्टैंड कि कमाते टाइम तो 10-20 हज़ार कमा रहे थे, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में लूजर को मैक्सिमम वेटेज चला गया. और जब तक ये सेंस आपको आता है, तब तक आपके 7-8 साल निकल चुके होते हैं. लाइक ऑन 4 जून अ लॉट ऑफ स्टॉक्स वर हिटिंग लोअर सर्किट्स, दो सर्किट्स भी जंप हो गए थे, सो इट वुड हैव शेकन आउट अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स. जिन्होंने थर्ड में लिया होगा उनको तो डेफिनेटली शेक किया होगा. अभी जिन्होंने इस साल के शुरू में ले रखा है, शायद वो डीमोरलाइज हुए हैं, बट दे वुडन्ट हैव बीन शेकन आउट. तो आई अभी थिंक जैसे आई पीएफ, सॉरी नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू. आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक पीएफसी इज अ स्टॉक, REC इज अ स्टॉक, ऑल ऑफ दीस स्टॉक्स वर द स्टॉक्स व्हिच हैड लाइक 20-30% फॉल दैट नीरज इज सेइंग, ठीक है, बट उससे पहले भी दे हैड अ 30% अप मूव ओनली जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो. तो अप मूव अगर आप टाइम पे आए हैं तो अप मूव देखने के बाद जब आप फॉल देखते हैं तो आपका गेन इरोजन हुआ है, तो आपका मूड ऑफ होता है. इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम से फॉर एग्जाम्पल आपने करोड़ लगाया PFC में 600 के वैल्यू पे और अगले दिन वो चला गया 380 पे. नाउ इफ यू आर सीइंग 1 day 50 lakh लॉस, तो आपको वो बोलते खून की उल्टियां आ रही है, लाइक बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है अभी कब आएगा वापस 600 पे. सो नाउ जैसे ही वो 350-400 से उठ के 440 पे जाता है, आप सीधा बुक कर लेते हो और अगले दिन वो 550 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है. द ट्रेडर गोज अप, द इन्वेस्टर मतलब जो भी इससे एक साइकिल के रॉन्ग साइड पे आ गया, वो नॉर्मल राइट लेफ्ट भी सही नहीं ले पाता कुछ दिनों तक उसके बाद, मतलब जनरल एक्टिविटीज गलत होना स्टार्ट हो. इट जस्ट कम्प्लीटली इफेक्ट्स यू यार, मतलब आपका बॉडी केमिकल्स ही अलग सिक्रीट करता है. आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, बट आपको वो वाला यू बीन चीटेड वाला फीलिंग आता है, यू नो कि एवरीवन इज अगेंस्ट मी वाला फीलिंग आता है. यू आर जस्ट ऑन एज ऑल द टाइम, सो इट्स अ वेरी टफ फेज टू गेट आउट ऑफ. यू वर सेइंग, आई एम सॉरी आई कट यू हाँ, ऑफ, सो व्हाट आई बट वाज सेइंग, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस पीपल जिसकी आप बात कर रहे हो, जिनने पैसा कमाया है बट नॉट सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजिंग अमाउंट्स, बिकॉज माय माय जर्नी ट्रेडिंग, नॉट ट्रेडिंग जर्नी बट माय माय जर्नी इन द मार्केट ओनली, ये 2021 के मार्च में चालू हुई थी, विच वाज बेसिकली राइट आफ्टर द डाउन, दैट होल कोविड स्टार्टेड, लॉकडाउन हैपेंड, उसके बाद जो एक डाउन आया था उसके बाद से चालू हुई थी. एंड वेरी ऑनेस्टली सिर्फ एक कंपनी है मेरी जिसपे मेरे को लॉस हुआ है, विच इज कोई और होता, मतलब मैं भी एक टाइम तक सोचता था अरे वाह इतनी अच्छी कंपनी आज खरीदी है मैंने, इतनी अच्छे तरीके से मैंने देखा है, बट अभी पिछले 6-7 महीनों में मैंने रियलाइज किया कि दैट वॉज नथिंग स्पेशल, इट वॉज लाइक आई कुड हैव मेड मच मोर मनी इज व्हाट आई एम सेइंग. मतलब मेरे पास द मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड एवरीवेयर, मैं तो ये शौक हूं कि वो एक कंपनी भी लॉस में कैसे गई, राइट, विच वॉज अडानी विद दैट होल हिंडनबर्ग थिंग जो अभी तक हुई नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ज्यादा, मतलब इट्स वेरी इजी, जो मुझ जैसे लोग होंगे उनको ये सोचना कि दे आर गुड एट वॉट दे आर डूइंग इफ दे स्टार्टेड एट वॉट द टाइम मैंने चालू किया था, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, बस पैसे डाल दो और पैसे आ गए, राइट. करेक्ट. एंड आई अग्री दैट
द सिस्टम्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वो तभी बन सकते हैं जब लॉस हुए, और मुझ जैसे करेक्ट, लोगों ने लॉस देखा ही नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टर, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं यश, कि मार्केट से 1 रुपए भी बंदा गलती से नहीं लेके जाता है। सो अगर आपको मार्केट में 50,000 दिख रहा है या 1 लाख दिख रहा है, इट इज बिकॉज यू हैव डन समथिंग गुड ओनली। ठीक है, तो पहले तो वी कैन नॉट, अगर किसी ने 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, 10,000 रुपए कमाए, उसने कोई एक अच्छा काम ही किया है तो ही मिला, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो गलती से पैसा कमाने से रहे, सो वो कैपेबिलिटी के बेसिस पे, लक के बेसिस पे, लाइक आई सेड, गॉड्स ग्रेस एंड हार्ड वर्क एंड इन बेसिस पे ही आ। ठीक है, अभी डिफरेंस कहाँ आता है कि एक ट्रेडर जो होगा वो साइकिल, वो जैसे मैंने बोला, वो सिस्टम तब बनाएगा जब वो लॉस एक्सपीरियंस करेगा। वो एक लॉस नहीं होगा, वो 8 होंगे, 25 होंगे। जब वो लॉसेस खा रहा है तो तब वो एक सिस्टम बनाएगा एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट नाउ। अभी ट्रेडर जो मंडे को पोजीशन लेके ट्यूसडे तक स्क्वायर ऑफ करता है, या वीक के अंदर स्क्वायर ऑफ करता है, या 3 वीक्स पे स्क्वायर ऑफ करता है, ये 3 सालों में 1,000 ट्रेड, 200 ट्रेड कर जाता है। बट एक इन्वेस्टर को 200, 300, 500 ट्रेड करने के लिए, वो सैंपल साइज जनरेट करने के लिए ऑलमोस्ट 8-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, इन एंड योर एक्यूरेसी विल कम प्रीटी क्लोज टू द ट्रेडर ऑफ दैट पीरियड ओनली। ठीक है, बट आपके इतने ट्रेड्स ही नहीं हुए हैं तो इसलिए आपने इतने लॉसेस एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। ठीक है, एंड लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी नाउ लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आपको 90% एक्यूरेसी है, बिकॉज से यू बॉट 10 एंड यू हैड ओनली 1 लॉस मेकिंग स्टॉक। आई एम टेलिंग यू, यू गिव 90% एक्यूरेसी टू एनी प्रैक्टिसिंग ट्रेडर फॉर इवन 3 मंथ्स, ठीक है, उसका नेटवर्थ ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दैट ट्रेडर विल बी लाइक 90% एक्यूरेसी सिंग, मतलब मैं, माई एवरेज वॉज 35, अभी मैं बहुत पोजिशनल कर रहा हूँ, मैंने SLs ड्रॉप कर दिए इसलिए मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया, तो अब जाके 42 आ रहा है। आई जस्ट चेक्ड इट लाइक अ कपल ऑफ डेज बैक। तो 90% एक्यूरेसी मतलब मुझे मिल जाए कि मतलब मैं एक स्टॉक ले रहा हूँ वो बढ़ रहा है, दूसरा वाला ले रहा हूँ वो बढ़ रहा है, तो जो तीसरा वाला आ रहा है उसी पैटर्न में, वो नहीं बढ़ रहा। वो बहुत ही ज्यादा लेवरेज हो जाएगा। मतलब अब सी व्हाट हैपेंस इज दैट, कि अगर आपका सिस्टम का एक्यूरेसी बढ़ रहा है, इट बेसिकली मीन कि आपको कंजेक्यूटिव ड्रॉडाउंस कम आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिस्टम का 40% एक्यूरेसी है, उसको 25 ड्रॉडाउन आ सकते हैं वर्स केस में। अगर 50% एक्यूरेसी है तो उसको 20 आ सकते हैं। अगर 80% एक्यूरेसी हो गया तो उसको 8 आ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस से आई हैव डिसाइडेड कि मैं सिर्फ 10% ही अपने अकाउंट का रिस्क करूंगा, कि मेरे पास 100 करोड़ है, मैं सिर्फ 10 करोड़ ही रिस्क करूंगा। तो अगर मैंने ये माना कि मेरा 40% एक्यूरेसी है, तो लॉजिकली 25 ट्रेड्स के हिसाब से मैं 0.4% बेट करूंगा। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि, क्योंकि मुझे 10% ही रिस्क करना, अगर मुझे, और मैं इससे ज्यादा कर नहीं सकता, तो 25 मेरा मैक्स लॉस हो जाएगा और 0.4 मेरा मैक्स एवरेज रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा। अगर 50% एक्यूरेसी है तो मैं 0.5 कर दूंगा, क्योंकि मैं 20 के हिसाब से करूंगा। अभी अगर 80% एक्यूरेसी है तो मेरा 1.25% हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग, विच मीन्स इफ माई एक्यूरेसी मूव फ्रॉम 50 to 80, माई इन्वेस्टमेंट बिकम्स 2.5 टाइम्स। ठीक है, सो वॉट विल हैपन इज दैट द फर्स्ट टाइम आई हिट द 90% एक्यूरेसी, आई विल नॉट इवन रियलाइज, आई विल लाइक वाओ व्हाट अ वंडरफुल मंथ। बट एज सून एज आई डू माई क्वार्टरली एनालिसिस, माई ट्रेड्स विल जम्प फ्रॉम 40% to 50%, विच विल फोर्स मी टू बेट फ्रॉम 0.4% to 0.5%, बिकॉज आई हैव टू बेट 10% इन द ईयर, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो पैसे भी नहीं आएंगे। 10% तो बेट करना है, बट अब 0.4 से 0.5% जंप करना मतलब 20% इंक्रीमेंट इन पोजिशन साइड हो चुका है। तो अगर मैं 25 लाख का पोजिशन उठा रहा था या 10 लाख का पोजिशन उठा रहा था, अब मैं इस क्वार्टर में 12 लाख का पोजिशन उठा रहा हूँ। ठीक है, गलती से वो 50 का अगर जंप होके 70 हो गया या 80 हो गया, तो अब 2.5 टाइम्स पोजिशन जंप होने वाला है वहां से। एंड जैसे कि मेरा 80% चल रहा है, 3 महीने तक चल रहा है, एंड देन 1 मंथ कम्स जहां मुझे लगातार 6-8 लॉसेस हो गए, नाउ आई नो ये 80 नहीं है, नाउ दिस विल बिकम 70 बिकॉज इट हैज एक्सपीरियंस। तो वो नीचे वाले स्लाइड में चला गया, अब नीचे वाले इसमें चला गया, तो ऑटोमेटिकली आई विल एक्सपेक्ट 12 कंसेकटिव लॉसेज या 14 कंसेकटिव लॉसेज, एंड आई स्टार्ट बेटिंग 0.8%, विच इज अ 50% रिडक्शन इन द क्वांटिटी। यानी कि आपका सिस्टम कितना एक्यूरेसी एक क्वार्टर में देता है, क्यूमुलेटिवली कितना देता है, वो डिटरमिन करता है कि आप अगली बार कितना बेट करने वाले हैं,
ठीक है, तो इसलिए आई वुड से कि आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है. सो डोंट बी टू क्रिटिकल ऑन योरसेल्फ. आप ये सब चीजें सीखेंगे, बट इसको एज एन इन्वेस्टर आर्ट्स, बट एज अ ट्रेडर, क्योंकि यू एंड अप गोइंग थ्रू 500 ट्रेड्स इन अ क्वार्टर और इन 6 मंथ्स, आइदर यू वुड हैव लर्न दिस और एक्सपीरियंस दिस इन सम वे. आप इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं या नहीं वो पता नहीं, वो आर्टिकुलेशन के लिए पीपल विल बी वॉचिंग दिस. आप इसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं या नहीं ये पता नहीं होगा, ठीक है, बट आपको पता है कि ये साइकिल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कि परफेक्ट सेटअप कभी कभी लगातार गलत होते हैं और कभी कभी लगातार सही होते हैं, ठीक है. एंड नाउ हाउ डू वी बिहेव अराउंड दिस. सो ये चैलेंज उसको आता है जिसने 200 ट्रेड ले लिए हैं, उसको नहीं आता जिसने 20 लिए हैं, ठीक है. सैंपल सो फॉर साइज एग्जाम्पल, डिपेंड्स. सैंपल से इफ यू आर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स पर आवर विदाउट अ सीट बेल्ट, इनएबिलिटेड, इन अ ड्रंक स्टेट, नॉट फॉलोइंग एनी ट्रैफिक रूल्स, एंड आप पुणे से मुंबई चले गए और आप 3 घंटे में पहुंच गए, पीपल विल थिंक वाओ दिस गाय सच अ ग्रेट ड्राइवर, ठीक है. बट ऐसे बंदे को अगर ये टैक्सी वाला बन गया, तो यू कैन गिव इट इन राइटिंग नाउ कि दिस पर्सन इज वेरी लाइक, मतलब ही इज ड्रंक, ही इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, ही इज ड्राइविंग एट ट्वाइस द स्पीड लिमिट. यू कैन से इट इज अ मैटर ऑफ, मतलब ही इज वेरी लकी दैट ही इज नॉट हैड अ लाइफ फिटनिंग थ्रेटनिंग, या मतलब इवेंट में नहीं घुस गया वो, हाँ ठीक है. एंड उस बंदे को, इस बंदे को, ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आप कभी भी अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं भेजेंगे, ठीक है. दैट्स व्हाट आई मीन. जैसे जब अभी, जैसे जब नीरज ने पूछा क्या परसेंटेज रिटर्न आएंगे, मैं बोला कि एक बंदा सूट बूट पहन के, सीट बेल्ट पहन के 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाने वाला, ये ड्राइवर रखना है कि आपको F1 ड्राइवर रखना है क्राउडेड रोड पे, मतलब कि 1 लाख के अकाउंट को पूरा लेवरेज करके, मतलब 40% गेंस क्लेम करके अपना ट्रम्पेट बजाना है, ठीक है. बिकॉज जब आप अपने, इफ अज्यूमिंग योर ओन मनी इज योर ओन चिल्ड्रन, यू विल वैल्यू द प्रोसेस, मतलब पैसा प्रोसेस के पीछे लगता है, ठीक है, पैसा ग्रोथ के पीछे नहीं लगता है, पैसा प्रोसेस के पीछे लगता है. इफ सपोज कल को तुम अपना कोई मीडिया कंपनी खोल दो, एंड मुझे लग रहा है कि यश इज अ हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो उसमें मीडिया इंडस्ट्री का क्या लेना देना. मीडिया इंडस्ट्री तो डाउन ट्रेंड में है बिकॉज यूट्यूब वगैरह चल रहा है, ठीक है, बट हाँ अगर मुझे प्रमोटर अप ट्रेंड में लग रहा है तो आई माइट स्टिल बैक इट, ठीक है. सो एवरी वन, सो समवन हु इज बेटिंग ऑन से फॉर एग्जाम्पल दी अर्थेगामा के, मतलब, तो आपको देखना है प्रमोटर अप ट्रेंड में है या नहीं. अगर प्रमोटर अप ट्रेंड में है तो यू विल बैक इट, देन यू विल सी द करेक्शन, क्योंकि अप ट्रेंड डजेंट मीन नो पुल बैक ना. राइट या आई वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. हाँ, नमस्ते. यस, श्योर. ठीक है, यस यू तो आई ऑल्सो हैव बहुत और क्वेश्चंस हैं मेरे को जो अभी आई हैं, कि कभी अगले सेशन में भी डिस्कस कैसे क्या रहता है. बिल्कुल एंड बिल्कुल. या अमेजिंग अमेजिंग. थैंक्स यस नीरज, यस, थैंक थैंक्स यू, साहिल, थैंक थैंक्स अ यू लॉट सो फॉर मच हैविंग सच अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन यस, थैंक एंड शेयरिंग द इंजीनियरिंग बिहाइंड द प्रोसेस. यू, थैंक्स. थैंक यू, थैंक यू. ट्रूली हेल्प्स. लाइक मेरे को तो ज्यादा हेल्प करे ना करे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉन्ग टर्म पर्सन मोर देन अ शॉर्ट टर्म पर्सन, बट आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों को बहुत मदद करेंगी, जस्ट टू सी कि व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड अ डिसीजन मेक द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ दैट्स अ प्रॉफिटेबल इन ट्रेडर. हाँ, यस, दैट्स द आइडिया, जस्ट टू शेयर कि ये सब सोच, एंड ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज आउट देयर सेइंग दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल गैम्बल. मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन गैम्बल, बट नो वन नोज गैम्बल, नो वन इज गैम्बलिंग, ठीक है. यू आर नॉट गैम्बलिंग, नीरज इज नॉट गैम्बलिंग, आई डोंट बिलीव इवन आई एम ऑल्सो नॉट गैम्बलिंग. कैन यू गैम्बल? यस, यू कैन गैम्बल, ठीक है, कोई नहीं करता है गैम्बल. एवरी वन इज हियर विद ओनली वन ऑब्जेक्टिव, कैन वी यूज दिस लिक्विड स्केलेबल प्लेस एज एन एडिशनल इनकम सोर्स. एंड एडिशनल इनकम सोर्स में पीपल हु चूज स्पेक्यूलेटिव इनकम सोर्स, क्योंकि उनको जी मैं, मतलब मैं गाड़ी में नहीं घूमू, मैं बेंटली में घूमू, ठीक है. तो अभी जो बंदा ऐसा सोच रहा होगा, पहले तो ये सोच गलत है या सही आई डोंट नो, बट अगर ये सोच है तो वो एक्शन उस हिसाब से लेगा, ठीक है, और वो एक्शन आपको इनेविटेबली यहाँ लीड करेगा. एंड वही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इन एडिशन टू प्रोसेस कॉम्प्लिकेशंस, देर आर कॉस्ट कंसिडरेशंस, देर आर वॉलेटिलिटी कंसिडरेशंस, देर इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
एंड द इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, योर ओवरऑल वेल बीइंग. मतलब 10 साल ट्रेडिंग करने के बाद आप सारा स्किल सेट मार्केट में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेट आप लूज कर चुके होते हैं. ठीक है, लाइक आई एम नो लॉन्गर दैट प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग एन ईमेल. पहले ऐसे था जब कंपनी में मेल आया नहीं कि मेरा मेल वापस जाता था प्रॉपर टेम्पलेट में. ठीक है, अब जब मेल आता है आई एम लाइक ओके ठीक है, कोई स्टाफ सेंड कर रहा है रिप्लाई. यू हैव जस्ट लॉस्ट इट, लाइक यू हैव जस्ट कंप्लीटली डीकपल्ड नाउ फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्रीज. ठीक है, यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईआरपीज, यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट. मतलब आप कंप्लीटली लूज कर चुके हैं. नाउ यू आर लेफ्ट हेयर. ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सचेंज के चेंजेस जस्ट यूनिलैटरल चेंजेस हो जाते हैं. उसके आप कुछ, आपका ब्रोकर डिफॉल्ट कर, मतलब सिस्टम बंद हो जाएगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते. सो यू हैव टू नो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट एज ऑफ 2024 टुडे दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, एंड दैट इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन नाउ, यू शुड रियली लव द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड प्राइस एक्शन स्टडी in order to do this, because otherwise there might be even other ways of making money more safely and might, which might give you more satisfaction. Thank you. Great. Thanks for Great. having us over. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks for your time. Thank you. Thank you both. Thank you both. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.